उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन जितना हो सके, तो पीछे का एक बार कराते हैं फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ सब ठीक है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान ही कर रहे थे ना हम लोग, बांग्लादेश नहीं कर रहे थे ना, थोड़ा बहुत तो याद होगा पक्का। तो मैं वो अलग बता दिया था आपको कि जैसे पाकिस्तान ने कैसे जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था तो कैसे पकड़ा गया उसको, यहाँ तक शायद हो गया था। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं शुरुआत से एक बार तेज़ी से बोल दूँ तो क्या बोलूँ, तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का जो नरेटिव है कि पाकिस्तान क्या मानता, सब सुन पा रहे हो? जोर से बोलो एक बार, या सुनो। तो इंडिया पाकिस्तान का नरेटिव आपको पता है, ऊपर से जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तैसे करके तो बोल ही दिया था। तो पाकिस्तान मानता है कि इंडिया जो अभी भी पार्टीशन को बिलीव नहीं करता है, बट ऐसा कुछ था नहीं। उसके आगे मेन हमारा कश्मीर वाला मुद्दा शुरू हुआ था, जिसमें आपको दो बात दिमाग में रखना है। एक क्या, पहला कौन था, दो कंडीशन था। पहला क्या था, एक तो आईओए था ना, आईओए से पहले क्या था, दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो अब साइन हो चुका है, वहाँ तक हो चुका है। आज एक नया कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, जो पढ़ने वाले हैं, जो आपका डीवीओ वाला रूल, ठीक है। तो दो तीन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि दौलत बे गोल्डी क्या है, समझेंगे। पेज नंबर आइएगा आप, आई थिंक होगा 14। ठीक है। और पाकिस्तान का कैसे बोला था कि वो जो अब्दुल कादिर खान है कैसे चुरा कर भागे थे, और वहाँ के आके उसके बाद कैसे यहाँ पे काम करना शुरू किए थे। सब ठीक हो ना? चलो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अभी वापस करते हैं, थोड़ा दो तीन दिन लगेगा रिहेबिलेट करने में लेकिन हाँ हो जाएगा, डोंट वरी दीवी हो, बाकी चिंता नहीं करने का, मरूंगा नहीं मैं। मतलब जब तक मैं रिजल्ट नहीं निकलवा दूँ, होता है ना जो सांसें जो होती है धड़कन, मतलब मरने के बाद ही फड़फड़ाता है वैसे उस तरह से फड़फड़ाएगा, ठीक है। तो करेंगे अपन, बाकी चलता रहता है ये सब। तो पहले दो तीन बातों को ख्याल रखिएगा। सबसे फर्स्ट मैंने बोला डीवीओ, तो डीवीओ को समझने के लिए एक बार पेज 145 पे आओ, एक आपको दो तीन चीज मिलेगा उसको समझिएगा। जैसे मान लो एक तरफ सियाचिन आपको दिख रहा होगा, वहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, बस नॉर्मल उसको थोड़ा समझिएगा। और सियाचिन के जस्ट इधर साइड में मैंने पाकिस्तान बनाया होगा समथिंग यहाँ पे, और इधर आपका हो गया मान लो चाइना। अब मैंने एक चीज़ वहाँ बनाया है कुछ ऐसे, इस हाईवे को बोल रहे हैं काराकोरम हाईवे। अभी आराम से थोड़ा सा रुक जाइएगा, मतलब देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, बड़े मज़े से मज़ा आएगा। तो चाइना ने क्या किया, देखो क्या दिमाग लगाया, सर इसने तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग काराकोरम हाईवे बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो बना क्यों लिया चाइना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या पाकिस्तान से कनेक्ट हो गया? अच्छा हो तो गया, सप्लाई भी शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला था। तो इंडिया के पास प्रॉब्लम ये था कि सियाचिन से, मतलब सियाचिन तक जाने के लिए इंडिया के पास दो ही रास्ता था, मान लो लेह लद्दाख। तो लेह में अगर इंडिया है तो लेह में इंडिया का चलो बेस है, ठीक है। लेह से डीबीओ जाना पड़ता था, सुना ध्यान से, डीबीओ भी क्या है, दौलत बेग ओल्डी। डीबीओ पे एक छोटा सा बेस था, एयर बेस, जिससे आप फ्लाइट से उड़ के आ गए आप। बट एक बात याद रखना, वो भी छोटा बेस है, अगर बहुत सारे सामान चाहिए आपको, बहुत सारा रेनफोर्समेंट चाहिए, रेनफोर्समेंट मतलब क्या, बहुत सारा सामान आपको, सर युद्ध में जाओगे तो सिर्फ आपको खाली एक ही तरह का चीज़ नहीं चाहिए, अगर एक लड़ने भी जा रहे हो तो बहुत सारा सामान चाहिए। और फ्लाइट में भी इतना छोटा एयरबेस कितना लेके जा पाओगे आप? तो दो बातें का प्रॉब्लम था, पहला कि अगर फ्लाइट से आप पहुँच गए कहाँ पे, डीबीओ से सियाचिन जाने में कोई दिक्कत नहीं, आदमी जा सकता है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या था कि सर हम लेह से कहाँ तक जा रहे हैं, डीबीओ किस चीज़ से, फ्लाइट से। तो हमारे लिए जरूरी ये था कि हम लेह से डीबीओ तक एक रोड बना ले, मतलब किसी तरीके से अगर हम रोड बना लें तो हमारे लिए रीइन्फोर्समेंट इजी हो जाएगा कि टफ हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मतलब हम अगर यहाँ से डीबीओ तक पहुँच गए तो डीबीओ से सियाचिन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम सारा कहाँ है, डीबीओ तक पहुँचने में। तो इंडिया ने यहीं पर एक हाईवे बनाया। अच्छा, इंडिया हाईवे जब बना लिया तो चाइना को इससे खतर पटर होने लगा। चाइना को क्या है खतर पटर होने लगा, देखो चाइना कह रहा है और बोलने लगा, इसी के कारण लद्दाख में जो भी आपका लॉकडाउन का समय जो स्टैंड अप हुआ था तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, हालांकि और भी उसमें फिंगर्स के कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, चाइना कह रहा है आप कैसे ऐसे कैसे रोड बना लीजिएगा डीवीओ तक। अच्छा, तो इंडिया बोला क्यों, मेरे बाप का है भाई, मतलब मेरा एरिया है, हम अपने एरिया में कुछ भी करें तुम्हें उसे क्या। लेकिन चाइना को क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, चाइना को इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि इंडिया अगर इस सियाचिन के पास इजीली पहुंच जा रहा है तो सर देखो ना यहाँ पे एक कुछ ऐसा फीलिंग नहीं हो गया कि मान लो आपका घर यहाँ पे है
एक हाईवे इधर से ऐसे जा रहा है, आप घर की छत पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, आराम से देख रहे हो कि कौन सा हाईवे में कौन सा गाड़ी लेके क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, मजे लेते रहो। तो क्या इंडिया नज़र आराम से नहीं रख पाएगा कि चाइना आखिर हरामखोर लेकर जा क्या रहा है और लेकर आ क्या रहा है। अच्छा दूसरा एंगल, लेकिन इंडिया क्या बोला, हमारे आर्मी को बहुत दिक्कत होती थी सामान पहुंचाने में, दिक्कत होता था तो हमारे लिए क्या करना पड़ा। तो इंडिया तो बोलेगा, इंडिया तो बोलेगा, जैसे आपको मैं वहां पढ़ाया था अफगानिस्तान में, क्या बोला था, क्या बनाया गया था, चार एम्बेसी के अलावा कॉन्सुलेट्स, अरे बोला था ना कि कॉन्सुलेट्स बनाए क्यों, क्योंकि सर भीड़ बहुत बढ़ गया। अच्छा वो तो बात सही था, लेकिन फिर भी बना दिया ज्यादा, लेकिन दूसरा मसला भी था कि बॉर्डर पे तुम लेके जाके आ रहे हो हरामखोर। तो सर यही सेम चीज चाइना समझ गया, अच्छा चाइना पे क्यों, पाकिस्तान पे भी तो नजर रख लोगे, अगर पाकिस्तान चाइना को कुछ भी सप्लाई करता है नहीं करता है तो इस रोड से हम जब इजिली एक्सेसिबल हो जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब जरा इस चीज को थोड़ा नीचे देखिए, एक डायग्राम होगा राइट साइड में, नॉर्मल देख लीजिएगा, नीचे नीचे लेफ्ट पे एकदम वहां पे मैंने एक ले से पहले बोला है डीबीओ तक फ्लाइट दिखाया उसमें, और दूसरे तरफ रोड दिखाया है, इसी को दौलत बेग ओल्डी रोड भी बोलते हैं। काराकोरम हाईवे चाइना टू पाकिस्तान कनेक्ट कर रहा है, सियाचिन तक हमारा सामान पहुंच गया, हम आराम से आए, इसी को बोलते हैं बर्ड्स व्यू, ठीक है, या बर्ड्स आई, मतलब जैसे चिड़िया रखती है ना नजर, तो वैसे ही इंडिया नजर रख रहा है किस पे, चाइना और पाकिस्तान पे। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार आपको, ये ऐसा विवाद है कि चाइना का कितना बार 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 बोलना कि सर ये डीबीओ रोड बनाना गलत है, बट हमारा एरिया है, हम भाई कुछ भी करें हम आपके एरिया में थोड़ी ना जा रहे हैं, तो गलत क्या है, लेकिन बार बार इंडिया बोलते, उसके बाद जब देखा इंडिया की इरिटेट हो रहा है, चाइना बार बार बोल रहा है, तो इंडिया ने एक ही बात सोचा कि इसको इग्नोर करने में ही भलाई है, तब जितनी दफा वो बोलता है इंडिया का कोई स्टैंड उस पर नहीं आता है, बार बार जब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो एक ही बार आता है और बोल देता है क्या, हमारा एरिया हमको जो मर्जी करेंगे। लेकिन चाइना को दिक्कत इसी बात से है कि जो भी चीज़ करेगा उसका आई रहेगा। जरा नीचे देखिए आप थोड़ा ध्यान से, चाइना ने काराकोरम हाईवे बनाया, सबसे ऊपर में आइएगा, वहाँ पे मैंने आपको पूरा एक डायग्राम दिमाग में लगा दिया है ताकि एक रफ आइडिया माइंड में बन जाए, बर्ड्स व्यू फॉर इंडिया। नीचे अगर हम सियाचिन पे अपना पकड़ बना ले तो काराकोरम हाईवे पे इजली नज़र रख सकते हैं, बट हम पहले सियाचिन तक रोड से नहीं जा सकते थे, सुन पा रहे, तो सियाचिन तक अपन जा नहीं पाएंगे भाई, इतना टफ टेरेन है, इतना कहाँ से पहुँच पाएंगे। नीचे आइए, हमने डीबीओ दौलत बेग ओल्डी पे एक छोटा सा एयर बेस बनाया था ताकि फ्लाइट से वहां तक जाए, बट अब हमने रोड बना लिया फ्रॉम लेह टू डीबीओ, एंड डीबीओ इज इजली हम सियाचिन पहुंच जाएंगे, मतलब डीबीओ से सियाचिन तक जाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, एंड देन रोड का फायदा यह होगा कि री इन्फोर्समेंट फास्ट हो जाएगा, और री इन्फोर्समेंट को मैंने ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, वही अतिरिक्त लड़ाई का सामान, मतलब कहने का सारा कुछ, बहुत सारा कुछ रोड के माध्यम से, तो जो मानो भेज ही लेंगे अपन, वहां से क्या दिक्कत है। नीचे आइए, तो वहां मैंने सियाचिन लिख दिया आपको, डीबीओ लिख दिया पहले फ्लाइट से आपका, इसी के कारण रोड के कारण नीचे लद्दाख स्टैंड अप हुआ, क्योंकि चाइना समझ चुका था कि यहां से इंडिया हमारे पे नजर रखेगा आसानी से, देन इंडिया सेड कि ये मेरा एरिया है और हमें अपने एरिया में बनाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, तो सीधी बात है हमारा एरिया जो मन वो करेंगे अपन, हमें क्या तकलीफ है। अच्छा ये मुद्दा इतना जो मैंने आपको नॉर्मली समझाया है आपको बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे इस मुद्दे को अगर किसी के समझाएंगे तो लगभग मतलब 6 वीडियो में समझाया गया है, और जब जब ये मुद्दा आता है ना तब तब यूट्यूब वाले लेके बैठ जाते हैं। अच्छा प्रॉब्लम व्यू क्यों जाता है, आप सोचो आजकल क्यों व्यू जाता है, इसलिए जाता है पीछे का एग्जैक्ट बैकग्राउंड रीजन किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई मुद्दा आता है तब आदमी उस मुद्दे के बारे में जानना चाहता है, अब हर बार जब न्यूज में आया तब देखा, अब आया तालिबान का न्यूज फट से गया तालिबान का वीडियो देखना, आपको क्या करना है, सिंपल अपने नोट्स पे जाना है, नॉर्मल एक बार वॉच लेना है, आपको बस आइडिया हो जाएगा कि इसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना है, हर बार 12 वीडियो एक मुद्दे के लिए नहीं देखना है भाई कि अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। इसीलिए पहले मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली करंट अफेयर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आपके बस मैं नोट्स बता रहा हूँ, आप रेगुलर उसके बाद न्यूज पेपर अपडेट कराते जाऊँगा, आप खुद का करंट अफेयर बेच लेना, नाम लिख लेना -GS-Theria फिर -Theria करके और अपना बेचते रहो, स्टॉल लगा के इधर बाहर बेच लेना, नीचे मेरा भी नाम लिख देना कि नाम हो जाए ठीक है, बाकी आ जाओ तो मतलब आप बना सकते हो, बाकी करंट अफेयर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, आप इस बात को मान के चलिए, बस स्टैटिक पोर्शन के साथ अपडेट आप रहिए, बात खत्म है आपका। अब हम लोग क्या होता है लेजी आदमी है, हमें क्या चाहिए शॉर्टकट, तो साल भर अपन न्यूज पेपर नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार क्या चाहिए कंपाइलेशन, ये सर साल भर का दे दीजिए ताकि हम एक ही महीने में क्या है कर जाए। अच्छा साल भर का सब खरीद लेता है, मैं गारंटी देता हूँ
उसके बाद ज्यादा से ज्यादा खींच के दो पेज पड़ेगा। पहला पेज हेडलाइंस होता है, कुछ मोदी जी का होता है पिक्चर उक्चर, अच्छा कुछ मिस यूनिवर्स लोग का भी होता है तो कुछ देख लेते हैं अपन, मतलब दोनों के लिए सुविधा होता है बॉयज और गर्ल्स के लिए। अच्छा लास्ट में फिर थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा खेल वेल से रिलेटेड है, चाहे अवार्ड उवार्ड से, तो थोड़ा अपने इंटरेस्ट से देख लेते, बस हो गया करंट अफेयर एक साल का खत्म। आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस ये मेरे नोट्स को देखते जाना, वो करंट अफेयर पूरा एक साल का एक महीना में खींच दोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बट अभी दो बातें क्वेश्चन पूछना है आपसे, शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था जरा बताओ, थोड़ा गाली दे ले हम भी, क्योंकि तबियत खराब है, जितना गाली देंगे उतना सेहत के लिए अच्छा होगा, डॉक्टर बोला है। एलओसी का नाम चेंज हुआ था, अच्छा सीज फायर के नाम को एलओसी में लाया था, और भी कुछ हुआ था उसमें, एक सुचेतगढ़ एग्रीमेंट था उसी के अंदर, तो सुचेतगढ़ के अंदर ये काम हुआ था, मतलब शिमला के अंदर सुचेतगढ़ उसके अंदर ये काम हुआ था। अच्छा ठीक, मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं, बाकी आप लोग भी रिवाइज करके हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। पेज नंबर 146 पे आना, गैप मैं देता हूँ ना तो आप लोग समझ लेते हैं छुट्टी है, आपके लिए नहीं होता है छुट्टी। अब मैं बताऊँ आपको, आज से डेढ़ महीना बाद, सुनना ध्यान से, आज से डेढ़ महीना बाद गिन के एकदम डिट्टो, मतलब अगर मैं बोलूँ 45 डेज या 46 डेज के बाद, आप मेरे से सर आप जबरदस्ती बंक मारोगे, कुछ लोग तो अभी भी मार ही लेते हैं, लेकिन उसको तो मैं जबरदस्ती मारोगे, लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अभी जो मिल रहा है तो उसमें क्या गैप मिलता है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। अभी आपको लग रहा होगा ना कि अरे फ्री टाइम चल रहा है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा देख लेते हैं इधर बंटी की बबली सब देख लेते, उसके बाद धीरे धीरे आपको डेढ़ महीना बाद आपको लगेगा कि ना अब सर चढ़ गए, आपको वायर का कंपाइलेशन कब इधर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा राय है कि अभी से ही रिवीजन करते चलिएगा, और याद रखिएगा रिवीजन से ही आपका रिजल्ट आएगा, ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा, रिवीजन ही रिजल्ट देगा, इस बात का दिमाग में आप रख लीजिएगा। तो जितनी दफ़ा मैप रिवीजन कर लो, आईआर कर लो, जितना बार आप मैप रिवीजन और आईआर और प्लस पॉलिटी जितना करा रहा हूँ करते जाओ, ट्रस्ट मी कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अपन है नीचे आइए पेज 146 पे। 1986 में पाकिस्तान रेडी इट्स न्यूक्लियर वेपन, अब देखना पाकिस्तान का तहलका, तो पाकिस्तान रेडी इट्स न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी देने लगा, देन इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन ब्रैशटेक। ये बताया था ऑपरेशन ब्रैशटेक में क्या किया, 1.5 लाख आदमी को लेकर वही थप थप किया, अच्छा बगल में उसने भी शुरू कर दिया क्या ऑपरेशन फ्लाइंग हॉर्स, उसने भी अपना औकात दिखाया, वही वाला है ना, कै रुपये किलो, ₹5, ₹5। अब जरा उसके बाद नीचे ये फोर मैंने बोला था 1987-88 में USSR वाला काम कर ही रहा था, रसिया से भाग चुका, सॉरी अफगानिस्तान से चला गया, अलकायदा रिवेंज ले रहा था, और बगल में आपको कौन सा है, वही मुजाहिदीन लोग आ जाए थे जिनेवा एकॉर्ड के तहत, लोअर अलकायदा को बोला गया और नाम रखा गया क्या मेहमान मुजाहिदीन। तो मेहमान मुजाहिदीन ये वही लोग कौन लोग थे जो नॉर्मली जो लोअर अलकायदा का नाम रखा गया मेहमान मुजाहिदीन। और दूसरा एक मुद्दा मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होते होते तो लगभग उस समय कांग्रेस की जो है, अभी आगे बताऊंगा, तो कांग्रेस का जो है वो क्या हुआ पॉपुलर, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होने लगा, और पॉपुलैरिटी जब कम हुआ तो दो बातें हुई। अब उस समय जब जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले नेशनल कांग्रेस और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिल के लड़ी, लेकिन वहाँ के लोकल पार्टी से हार गई, कहाँ के लोकल पार्टी से, कश्मीर के। अब लोकल पार्टी से हारी, लेकिन आपको बताया उसमें रिग हुआ था, चीटिंग हुआ था, इस बात को संभाल पाए नहीं, तो ये जो मुस्लिम लीडर थे MUA फॉर लोकल पार्टीज ये चले गए उधर, उस समय तक ट्रेनिंग चली रही थी और उसमें आराम से ये लोग भी नया ज्वाइन करके, इसलिए 1990 से 2010-11 तक काफ़ी ज़्यादा हम पे अटैक हुआ। खैर फिर भी नीचे एक बार देखिएगा जरा, सबसे फर्स्ट पाकिस्तान में लोअर अलकायदा को बोला कि आप पाकिस्तान के लड़के को ट्रेन करो ताकि जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया जा सके, तो ये हो रहा था उसमें भी इसको फ़ायदा उठा लिया गया और लोअर अलकायदा का नाम रखा गया मेहमान मुजाहिदीन। बाकी पेज 147 पे आइएगा, इन 1990s कश्मीर में एक इंतिफादा मतलब अपराइजिंग चालू हुआ, एंड इंतिफादा मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बस नॉर्मली सऊदी अरब एंड ऑल अभी दिमाग में रखिएगा, बाकी और आएगा। 1987 में कश्मीर में इलेक्शन हुआ, कब 87, अच्छा 87 की बात हो रही है तो अपने से रिलेट करना, तो 87 में हो रही है, अब जरा नीचे आना, कश्मीर में इलेक्शन हुआ, NC प्लस INC ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ी, मतलब वहाँ की जो पार्टीज है, एक नेशनल कांग्रेस प्लस एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों मिलकर पार्टी लड़ी अगेंस्ट MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अब उसमें क्या हुआ सर, इस समय तक लगभग इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई थी, किसकी, कांग्रेस की, और 1990 तक आते तो लगभग सभी लोग बेचैन हो ही गए थे, लेकिन यहाँ पे NC प्लस INC क्या हुआ जीत गई, क्योंकि इलेक्शन में चीटिंग किया गया था एंड MUF को काफ़ी बुरा लगा एंड वो पाकिस्तान चला गया हेल्प लेने, देन पाकिस्तान एग्रीड एंड उनको अपने आप मुजाहिदीन के साथ ट्रेन करने लगा, इसलिए 1990 से काफ़ी टेररिज्म बढ़ गया। सुन पा रहे हो सब, नीचे आना जरा, इसलिए
ऑपरेशन टोपैक के अंदर एमयूएफ का पाकिस्तान ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो ऑपरेशन टोपैक के अंदर जो एमयूएफ है इनके वो ट्रेनिंग दिया गया, और ट्रेनिंग देके सिर्फ एक ही बात था कि कश्मीर में जाके किसी तरह से गर्दा मचाइए। अच्छा, दो बातें ध्यान रखना अभी तक नीचे। ड्यू टू कश्मीर इंतिफादा वायलेंस काफी बढ़ गया एंड रॉ को ये बात पता था, बट हम उसको थोड़ा लेट तक कंट्रोल किए। क्यों? क्योंकि सर 1998 में हमें न्यूक्लियर वेपन टेस्ट NWT करना था, और इसलिए हम उस चीज़ को थोड़ा सा बहरहाल इग्नोर जरूर किए, क्योंकि अगर हम उसमें फिर इन्वॉल्व होते तो शायद बेनकाब होता। अब यहाँ से एक और दूसरा मुद्दा शुरू होगा, और यहाँ से आप प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। दूसरा इसमें है पेज नंबर 148। 1998 इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अपना किया, पाकिस्तान भी तब तक कर ही चुका था, एंड देन पाकिस्तान सर अब एक देखो मैंने बोला था ना कि गरीब और जो कमजोर आदमी उसको जब मिल जाता है तो उड़ने लगता है। अभी हर बात में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का मुद्दा अपना रहा था, और हर बात में एक ही बात बोलता था कि ज़्यादा कुछ किया तो उड़ा देंगे मतलब। लेकिन दो बात मैंने, एक बात आपको बताया जस्ट इसी के बाद होना है, कुछ नहीं होना है। मैंने बोला था आपको कि थोड़ा हिंट मैंने उस दिन दिया था कि जनवरी से या दिसंबर से मार्च तक एक प्रोटोकॉल साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कि दिसंबर से मार्च तक चूंकि ठंड काफी अपने पीक पे होता है तो सब कोई अपने अपने पीछे चले जाएंगे, ये थोड़ा हिंट दिया था मैंने। तो अब देखो इधर मैंने बोला ये लोग चले गए, लेकिन चाचा जी जो है पाकिस्तान वाले ये लोग साहब नहीं गए, तो लोटा बाल्टी लेके आराम से बैठ गए थे। अच्छा अभी अब बताऊँ उसका नाम क्या है, क्या नाम है, कारगिल ड्रास सेक्टर और सारा कुछ। ये लोग बैठ गए थे, इंडिया जब आई, इधर इधर देख लेना दो मिनट, तो इंडिया जैसे ही आई तो दो चीज़ें हुई। सबसे फर्स्ट देखा कि ये लोग यहाँ पे हैं। अच्छा पाकिस्तान इस चीज़ को जान बुझे देखो क्यों कर रहा था, उसका बस मुद्दा ये था कि अभी तक हम लोग LOC का लाइन डिसाइड कर चुके थे, पाकिस्तान बस इस फिराक में था कि ये हमें मारे किसी भी तरीके से LOC लाइन क्रॉस करे, और हम जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हुए हैं इसका थोड़ा सा आजमा ले थोड़ा, वो तो इसी बात पे था। अच्छा इंडिया इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे अभी मैं बताऊंगा, और एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, और स्ट्रिक्टली उस लड़ाई में एयरफोर्स भी गई थी, इंडियन आर्मी भी गई थी, और सबको स्ट्रिक्टली ये बोला गया था कि चाहे जो हो जाए LOC क्रॉस नहीं करने, क्योंकि ये पता था कि पाकिस्तान को सिर्फ यही मुद्दा चाहिए कि LOC सिर्फ क्रॉस करे और हम इसको जवाब दें। और उसको ये बेवकूफ को पता नहीं था, हमने मारा, बहुत मारा, भयंकर मारा, काफी बर्बाद भी हुआ, वो लोग पीछे गए, लोटा बाल्टी सब बंकरों का सब गायब। लेकिन सर वो लोग जानबूझ के उस लेवल तक आ रहे थे कि बस खाली क्रॉस करे, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेटमेंट था कि किसी भी सूरत में LOC क्रॉस नहीं करना है चाहे जो हो जाए, जिस बात का इंतजार पाकिस्तान कर रहा था कि अच्छा नया नया चीज जब आप कर लेते हैं तो खुजली ज्यादा होती है। जैसे आप नया बाइक सीखे हैं, आपको मन करेगा कितना चलाएं, आपका छोटा भाई सीखा घुमाते रहो उससे खूब, कोई दिक्कत नहीं है उसको, सर वो चलाएगा आपको, खाली बस आप उसको बोल देना कि चलना बस हो गया, बस आप बैठो पीछे, नया सीखा है, उसको भी कब बुरा लगेगा, जब वही 10-15-20 साल बाद जब उसका भी हालत खराब हो जाएगा तब फिर वो किसी अपने छोटे भाई को ढूंढेगा। तो नया नया पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का मिला था सर, इसको खुजली मची हुई थी कि जैसे जैसे करके मारे हम। अच्छा इसको जब पता चला कि अरे तो LOC क्रॉस ही नहीं किया सर, अब सर इसको घोर अनर्थ वाला पाप वाला फीलिंग आया, क्यों? ये सोचे कि हम तो इंतजार उसी बात का कर रहे थे ना कि खाली क्या करे LOC, वो तो उसका बहाना था रुकने का, उसको उससे मतलब थोड़ी था, उसको तो सिर्फ इस बात से मतलब था कि बस LOC क्रॉस कर जाए और हम उसके बाद दिखाएं कि क्या है, और इंडिया भी बोला कि आंख दिखाता है, आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। अब ये LOC क्रॉस स्टेटमेंट ऑफिशियली जबरदस्त था, जरा एक बार पेज नंबर 148 पे आइएगा। 148 पे है, इंडिया डिड न्यूक्लियर पाक ऑल्सो, पाकिस्तान को जिहाद करने के लिए एक नया बहाना मिल गया, तो पाकिस्तान के पास सब कुछ बचा नहीं था। अच्छा 1947 में भी खूब पिटाया हो, 65 में भी पकड़ पकड़ के पीटा सर, मतलब जबरदस्त पिटाया हो, अब इतना पिटा गया था कि सर उसको लग रहा था कि अब हमारे पास मौका कुछ तो मिले, अब जो है मौका मिलने का नाम, अब जैसे क्या हुआ एक आदमी गया, अब सडनली क्या हुआ तो वहां पे देखना है, वहां पे मतलब चार कुत्ते थे, तो चार कुत्ते थे तो भोज चल रहा था, गरम गरम पूरी इसमें छना रहा था, तो एक कुत्ता क्या हुआ गया, अब एक कुत्ता जब अंदर गया तो एक कुत्ते को क्या हुआ, वो सर मतलब छनौटा से उसी छनौटा से मारा। अच्छा वो भागा भगाया, आप लोग सुने होंगे, हो सकता है वो भागा भगाया, तो कह रहे क्या तुम लोग जाओ, गर्मे गर्मे मिला था।
दूसरा गया और दूसरा गया तो उसको उठा के उसमें तेल फेंक दिया, अब वो दौड़ गया तो तीसरा तो कह रहा है जाते जाते देता कोई लेट नहीं है। और उसके बाद फिर जब अंतिम वाला जब देखा कि भाई ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, तो उसके बाद वो समियाना के बाहर ही से भाग गया। तो सीन देखो ये जो हाल है पाकिस्तान का हाल, तो पाकिस्तान क्या है, ये सन इंतजार में सिर्फ इसी बात का था कि हमको बस एक मौका मिले कि हम भी तो दिखाएं कि अच्छा आजकल हर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशली, हर किसी को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। साइकोलॉजिकल सर्वे है उसके अनुसार हर इंसान अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रहा है आजकल, वो चाहता है कि हम किसी तरीके से फेमस हो, पॉपुलर हो, ये एक बहुत बड़ा सर्वे। और इस बात को आप अपने पे सोच भी लेना, कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में आएगा। तो लगभग ऐसा रेशियो था 85:15 का, 15% लोग को पॉपुलैरिटी और फेमस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 85% आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं कि जब भी कहीं वो जाते हैं और किसी एक को बोला गया चले ना फलना जी, और आप चिल्ला जी को छोड़ दिया गया, तो आपको क्या है सडनली बड़ा इनसिक्योरिटी होगा। और आप फिर ये दो चीज़ चाहते हो, एक सूरत में कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए बस मेरा क्या है नाम आ जाए अखबार में, बस वहाँ RIP खाली ना लिखा हुआ हो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आजकल मतलब पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करते हैं, वीडियो बना के कुछ भी डाल देंगे, पॉपुलर होने के लिए जो मन हो कर देंगे, तो थोड़ा नहीं करिएगा, बाकी ऑफिसर से नहीं करना। नीचे आना पेज नंबर 149, यहां से एक नया मुद्दा चलेगा, इसीलिए थोड़ा सा 1999 अटल जी टेकन मेनी स्टेप्स फॉर पीस मेंटेनिंग। मैंने क्या बोला था कि सर पाकिस्तान में और कश्मीर में किसी प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज़्यादा इज्जत हुई है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। हालांकि ये भी एक बहुत ऊपर का मुद्दा है, इंटरनली बहुत सारी चीज़ हैं, बट हाँ कुछ वही बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो सर अटल बिहारी वाजपेयी और जैसे ये भी हैं, बड़ा अच्छा छवि बना के रखे हैं अपना, तो छवि बना के रखने में बहुत सर आसान बात थोड़ी है, इतना ईजी बात नहीं है। एक सेकेंड सर, हेलो जी, तो वो नंबर हम आपने डायल किए थे उसी पे एक बार बात कर लीजिए ना। ठीक है सॉरी। तो आगे एक बार 1999 में अटल जी ने का, मैंने बोला था अटल जी का इज्जत थोड़ा अपने लेवल पे था, तो अटल जी के साथ दो तीन चीज़ें हुई वो ध्यान रखिएगा, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल जी टेकन मेनी स्टेप्स फॉर पीस मेंटेनिंग, शांति स्थापित के लिए अटल जी भी बहुत सारे स्टेप लिए, और उसमें पहला आइए फर्स्ट CBM दिख रहा है वहाँ पे, ये CBM है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मतलब आपके राइट साइड में चिंता मत करो, राइट में देखो फुल फॉर्म लिखा होगा, रिविजन फॉर एग्जाम में देखो CBM में फुल फॉर्म लिखा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। लोड बिल्कुल ना ले सर, सारा व्यवस्था है, मेहनत इधर ज़्यादा इसीलिए किया गया है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। आप तो बस बैठ के सोचो कि बस रिवीजन 20 बार कर ले मेरा काम हो जाए, वो टाइम हम बचाए हैं। तो आप वहाँ राइट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दिख रहा है, और वो मेंस के लिए सिर्फ मैं नॉर्मल पढ़ूँ तो देखना कितना उस लाइन से कितना कुछ समझ जाएगा, मेरे कहानी को पढ़ लेने दो उस पर, उसमें देखना आपको कितना समझ में आएगा। नीचे आइए, पहले बात है अटल जी ने सबसे पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है, हमने कुछ ऐसा स्टेप लिया जिससे कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो और हरामखोर को हम पे और थोड़ा भरोसा जगे, ताकि और आगे काम क्या हो ठीक ठाक चल सके। जरा नीचे आइए, तो पहला है बस डिप्लोमेसी। तो अब्दुल कलाम नहीं बल्कि अटल जी ने बस डिप्लोमेसी शुरू किया, कहां से कहां तक, अमृतसर से लेकर लाहौर तक। तो आप देखेंगे इनके ही देन है, वीर जारा मूवी देखे हैं आप लोग, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार अगर टाइम मिले तो, मतलब उसमें आपको मन तो वही देखना है जो हम पढ़ा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो उसमें एक मूवी दिखाया, जैसे शाहरुख खान क्या एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कभी आप किसी दूसरे जगह पे जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो एयरफोर्स का नियम है आपको पूरा कंप्लीट रिजाइन करना पड़ेगा, फिर रिजाइन करके सारा कुछ करके साइन उन करके तभी जा सकते हैं हम दूसरे कंट्री, इतना ऐसे जल्दी नहीं जाएंगे। अब शाहरुख खान उसमें लाहौर से, और पहले तो इधर अमृतसर से कहाँ जाता है लाहौर, अच्छा उधर से आते रहता है बेचारा लौट के लाहौर से किधर अमृतसर, तब तक बीच में कांड हो जाना है नहीं तो मूवी कैसे चलना है। अब सर बीच में वो रुक गया, उसको पकड़ लिया गया और कैद हो गया है, तो बहुत सालों तक कैद हो गया। फिर आगे मैं अब एक और केस पढ़ाऊंगा कुलभूषण जाधव का,
तो कुलभूषण जाधव का केस पढ़ाऊंगा तो उसी में आपको थोड़ा रिलेटेड उसमें मिलेगा, आपको उसी से जुड़ा हुआ बहुत मजेदार चीज है। तो नीचे आइए, तो अटल जी ने बस शुरू किया क्या, कहां से कहां तक बोलो, अमृतसर से लाहौर तक। दूसरा, खुद गए मीनारे पाकिस्तान और बोला था ना जाके क्या बोले कि देखो भाई तुम इंडिपेंडेंट स्टेट हो कोई दिक्कत नहीं है। खुद गए मीनारे पाकिस्तान टू क्लेरिफाई दैट इंडिया बिलीव्स यू एज ए स्टेट, मतलब इंडिया कंट्री आपको बिलीव करता है। नीचे आओ, बट फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं, डैश के भूत डैश से नहीं मानते। तो नीचे आइए, फिर ऑलरेडी इन 1994 इंडिया पाकिस्तान हैड एग्रीमेंट दैट ऑन नॉर्थ एलओसी, क्योंकि दैट एरिया गेट्स फ्रीज्ड सो आवर ट्रूप्स सैनिक दिसंबर से फरवरी गोज बैक एंड मार्च में फिर आ जाएंगे अपने अपने जगह पर। तो सर हमने साइन कर लिया, अच्छा प्यार से हमने साइन कर लिए, लेकिन वही बोले एक कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए कर रहे थे। देखो ये हमको कितना कॉन्फिडेंस दिया है। नीचे आओ, देन 1998 के दिसंबर में इंडियन सोल्जर तो वापस आ गई, बट 1999 के मार्च में, 1999 समझ रहे दिसंबर अब आ गया जनवरी, मतलब दो तीन दिन में काम, मार्च में जब इंडियन सेना वहां गई तो देखा पाकिस्तान कारगिल ड्रास सेक्टर में बंकर बनाकर बैठा है, समझ रहे। तो कारगिल ड्रास सेक्टर अभी ऊपर के बस पॉइंट समझ लीजिए, आराम से चुपचाप बैठा है और सब कुछ व्यवस्था लिया हुआ, लोटा बाल्टी सब एकदम झोला जमाटी सब। तो सर जब हटाने के लिए रेडी नहीं हुआ, हमने प्यार से बोला भाई बाल्टी उल्टी हटा ले नहीं तो फेंक देंगे, नहीं माना सर। आगे देखो, नहीं माना तो क्या हुआ, ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। देन ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद सागर क्यों बोला गया, सफेद वाइट, और चूंकि बर्फीला एरिया है पूरा, उस नाम पे दिया गया। हालांकि हर ऑपरेशन में जरूरी नहीं है कुछ ऑपरेशन का कोई लेना देना ही, कुछ ऑपरेशन इसलिए भी शुरू होते हैं जो सीक्रेटली होते हैं, उसका तो खैर अलग ही मीनिंग होता है, वो तो वो कोड करना डिकोड करना इतना इजी नहीं होता, बट जिसमें जानबूझकर ऑफिशियली किया गया वहां पे तो आप नाम दे ही सकते हो। ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट किया एंड खत्म किया विदाउट क्रॉसिंग एलओसी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हम क्रॉस करें ताकि वो न्यूक्लियर जिहाद करे, बट वी नेवर वायलेटेड द सॉवरनिटी ऑफ एनीवन। तो पाकिस्तान ताक में बैठा था कि आओ सनम और एलओसी क्रॉस करो, इंडिया भी कहा नहीं सनम एलओसी जो है खतरा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो सर पाकिस्तान भी वैसे ही काम कर रहा था, अच्छा ये दोनों पर लागू है, जेंडर इक्वालिटी है, बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, जेंडर इक्वालिटी जरूरी। अच्छा बहुत बढ़िया, ऑपरेशन मेघदूत में क्या बता दी, तो पिछले क्लास में बता दिया था ना पीछे, अच्छा नोट्स में देखिए तो पीछे ऑपरेशन मेघदूत जहाँ है देखिए, तो मैंने क्या वही लिख दिया है क्या, मैं भी आप बोल के मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए, मैं अगर होगा तो सही करवा दूंगा। पहले जहां ऑपरेशन मेघदूत है उस पेज पे जाइए, आपको रीजन पता चल जाएगा ऑपरेशन मेघदूत क्यों आया, देखिए एक बार। अब बहुत लोग तो ढूंढेंगे ऑपरेशन मेघदूत कहाँ था, ऑपरेशन मेघदूत को ऊपर थोड़ा देखिए 144 पे ही होगा, क्या लिखा है वहां 1984, ये 1984 की बात है और वो 1999 की बात है, थोड़ा रिकॉल करिए 1984 में क्या लिखा है, इंडियन आर्मी सियाचिन पहुंची तो पाक ऑलरेडी अभियान चला रहा था, देन आर्मी इन्फॉर्म्ड इंदिरा गांधी, बट इन 1984 इंदिरा गांधी डाइड, और इंदिरा गांधी के मर जाने के कारण क्या हुआ, राजीव गांधी बिकम पीएम, एंड उसने ये बात पता चला, सो इन 1984 इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करता सियाचिन में, हमने ऑपरेशन मेघदूत करके उपाय कर लिया। ये क्यों बोला था मैं, वहां पे वो न्यूक्लियर का टेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे तो जो नियम है उस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को हमको पता चला ना, हमको कैसे पता चला, ड्रेस जब खरीदा तो पता ये चला कि सर उस जगह पे सियाचिन में ही वो दूसरे सियाचिन जगह मतलब उसी एरिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का पूरा प्लानिंग बना रहा है, तो वहां पे लोटा उटा लेके टेस्टिंग का बात था, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ नियम बन चुका था 1999 तक आते हुए अटल जी के समय कि अब सर इस दिसंबर से फरवरी मार्च तक आपको पीछे रहना है। तो यहाँ हमने उसको भगाने के लिए नहीं किया, यहाँ हमने क्यों किया, क्योंकि सर आपने रूल तोड़ा जो साइन किया था, और वहाँ हमने उसके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियर के टेस्टिंग करे थे उसको तोड़ा, उस ऑपरेशन को मेघदूत बोल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे जब हम उसको बंकर्स को नियम को हटा रहे हैं तब उसको क्या बोलें, ऑपरेशन सफेद सागर, दोनों को ईयर में कंपैरिजन करिए, ठीक। अब वापस दो बातों को ध्यान रखिएगा, जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और दूसरा ऑपरेशन मेघदूत के बाद दूसरा कौन बोला, ऑपरेशन सफेद सागर,
दोनों का मात्र एक ही डिफरेंस दिमाग में रखिएगा, वहाँ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को किसी तरीके से हैम्पर करके खत्म किया गया, यहाँ पे आपने क्या किया, जो नियम बना था, जो एग्रीमेंट, उसके तहत आपने तोड़ा था। अच्छा, कमाल की बात यह है, जैसे ही ऑपरेशन सफेद सागर हुआ तो पाकिस्तान के दिमाग में एक ही बात था, क्या कि सर, अच्छा एक बात बताओ, उसके पास बचा ही क्या था करने को, इतनी दफा तो ट्राई कर लिया था। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी को देखना, इतना सारा मेडल लगा के रखा है सर, हद हिसाब नहीं है। अच्छा, आज तक हराम खोर एक भी नहीं जीता है सर, किस बात का इतना मेडल लगा रखा है, उधर यूएसए का भी ठीक है सर, जो मतलब जैसा मतलब वो जैसा हो तो सर वैसा ही वो है, अमेरिका भी आज तक नहीं जीता, वियतनाम में गया वैसा ही हार के आया, मैंने बोला ना केमिकल वाला जीता, फिर भी वहीं से मुंह दिखाएगा, अफगानिस्तान से लौट के आ ही गया, और भी जगह गया सर, मारा फिरा हर जगह मुंह उठा के आ गया, इतना सारा मेडल, इंडिया वाला ठीक है सर, इंडिया वाला जितना मेहनत उतना मेडल, उससे ज़्यादा वाला काम नहीं। और ये दो चीज़ बात है कि सर जैसा पाकिस्तान जिससे साथ करता है, करने का उसको भरना पड़ता है। यार एक तो ना मतलब इस दुनिया में मतलब मोबाइल सब तोड़ता देना चाहिए, खैर रिकॉर्डिंग उसी से हो रहा है, अब जरा नीचे है ना तो दो बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। पेज नंबर कहाँ पे थे हम लोग बताइए जरा, 149, तो 149 पे एक बार आइए जरा थोड़ा। अच्छा आप लोग आ गए हैं, मुझे आना है क्या, चलो 149 पे आइएगा और समझिएगा कि सबसे पहले जो नाम है वो देख लीजिए। हाँ 149 मतलब कंप्लीट हो गया ना, तो पाकिस्तान का मूड में क्या था कि किसी तरीके से क्या क्रॉस करें एलओसी। अब 150 पे आइएगा थोड़ा सा और समझिएगा, तो 150 पे आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा मई 1999, ऑपरेशन सफेद सागर इन विच मिलिट्री प्लस एयर पावर यूज्ड बाय इंडिया टू डिस्ट्रॉय बंकर्स। एंड वहाँ कुछ मुजाहिदीन भी थे जिनको पाकिस्तान क्या है ट्रेनिंग दिया था, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही लश्कर्स को आगे कर देता है, लश्कर्स का मतलब वो लोग जिनके बारे में मतलब पता ना चले कि कौन है और अपना काम हो जाए, शुरू से ही कर देता है, उसके सपोर्ट में पाकिस्तान आर्मी रहती है। तो हमने इनको कारगिल ड्रास सेक्टर के पीक चोटी पे क्या किया, फाइनली मारना शुरू किया, एंड फाइनली वो भाग गए एक महीने के अंदर, इतना जल्दी भागे भी नहीं हरामखोर, जल्दी भागे लेकिन नीचे आइएगा। बट पाकिस्तान ये जानबूझकर किया था क्योंकि वो भारत को न्यूक्लियर वेपन दिखाना चाहता था, और बट इंडिया जानता था, इसलिए एयरफोर्स एंड आर्मी को क्लियरली इंस्ट्रक्शन था कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। सो पाकिस्तान अब और बौखला गया क्योंकि अब वो क्या पावर दिखाएगा, मेरी बात में असर, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना। आप देखो जैसे बच्चे का नया नया, आप सुन देखे भी होंगे या सुने भी होंगे, तो बच्चे जब खिलौना नया खरीदते हैं तो अगर कोई घर में आए तो दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं, देखिए ना, देखिए 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 तल्ला है तो नहीं तल्ला है, अब सर वो तो दिखाते हैं ना, तो दिखाएंगे। अच्छा आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें तो बढ़िया से सुना के जाएंगे, कहेंगे चुपचाप उसको जाएंगे, और मम्मी मान लो बोली बेटा जाके अंकल को नाश्ता दे के आओ, अच्छा वो अंकल तो उसका खिलौना नहीं देखे, अब अंकल खिलौना देखो क्या जाएगा देने, अब वहां जब जाएगा बेचारा उसके बाद वही चीज दिखेगा, सर दे भी देगा थूसला सर बच्चे में मतलब बच्चे, अच्छा जो उसका उसको नोटिस किया है, उसको रिस्पॉन्ड किया है, उसके साथ बड़ा अच्छा से बिहेव करेगा, लीजिए अंकल अंकल प्लीज खाइए, हाँ पानी ला दूँ ये ला दूँ, आज जो नहीं है और ठूसना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई ना वो बोलेगा बड़ा बदतमीज लड़का है ये, कैसे पाले हैं आप। अच्छा ये ज़्यादातर मामा लोग के साथ होते आप लोग ना मामा वाला थोड़ा सा है, ये मामा लोग के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, मामा लोग कहे कि आते हैं, मामा लोग क्या कहेंगे, एक कैसा नोगल बात तोहर है सर बेटो, ये जो बोलने उनकी बहन का मतलब बेटा है ना, बोलेंगे तो साप उबारू हो गया अब सर, वो सुन लिया है, अब मामा जी को जो सेवा होगी बाय गॉड, उसके बाद मतलब मैं आपको बस 2 मिनट सुना देता हूँ, हालांकि आज पूरा खत्म करूंगा इसको। तो एक आदमी को चाय पीने का लत था, खाली चाय डेली आता था गांव में, आ जाता था चाय जब आए चाय चाय, अच्छा ब्रश कर रहा था चाय या ब्रश पीछे कर लेकर आता ना उसको इतना चाय पीने का था कि गाँव में जाते रहते नहीं होते दातुन करते करते पूरा गाँव घूम जाएगा वो, है ना, एक मिनट में नहीं रहेगा, कहा हो राम खिलावन, अच्छा ये चल रहा है हॉल भी बना रहता है गांव में, नया ना सुबह सुबह तो लोग उठ जाते हैं, अच्छा चाय आया करा आओ आओ राम खिलौन भाई चाय पियो, अच्छा ये ब्रश मुंह में दातुन लगवा, हाँ दाना पीछे खोद लिया लूंगी मैं अब सर जाके उसके बाद क्या है चाय पी लिया। तो एक दिन क्या हुआ, वो डेली घर में जाते थे तो डेली पीती थी, तो वहाँ पे एक लड़की थी वही चाय बना के देती थी, एक दिन चाय में मार मिला दी मार समझते हैं, तो मतलब उसने बहुत अच्छे से मिला लिया और आराम से अच्छा अच्छा कर लिया, अच्छा सबको वही दिया, और उसको मतलब बोल के गया था कि ये वाला कप उसी को मिलना चाहिए,
की आदत तो छूटे कम से कम, क्योंकि जब जब आता था दोपहर, सर कितना कोई चाय पिएगा यार, सुबह में आया, दोपहर में आया, रात में आया, हरदम वही कर रहा है भाई। अब कोई घर की लड़की है, मतलब नौकर थोड़ी है यार। अब सर उसने क्या किया, मार भी ला के दिया। अच्छा भाई साहब, हार तो उनको मानना था, मार वाला पी लेकर बड़ा बढ़िया चाय बा। अब जो बहन है करे यार ये, उसको लगा अच्छा ये वही वाली बात हो गई पाकिस्तान वाला, वो दिखाना चाहता था अपना न्यूक्लियर वेपन, ये भी दिखाना चाहते थे कि देख हरामखोर कि चाय क्या होता है। सर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, करा बहुत बढ़िया चाय बा। अच्छा थोड़ा देर बाद बोला आज चाय बा तनी फीका लगा था। अच्छा उन लोग बोला चीनी हमारे में ज़्यादा है। अब सर यहाँ पर दो चीज़ हुई, एक दिन में नहीं, फिर चाय पत्ती ऊपर से डाला गया, फिर उसके बाद सर अलग अलग तरीके, भाई वो नहीं माना, सब पी के कभी बुरा बोला ही नहीं। पॉजिटिविटी एकदम चरम सीमा पे था, गरीबी का हार रहे सर, समझ रहे। लेकिन उसके बाद वही थक हार के बोली कि जागरूक हो गया, अब चाय बने से पिलाओ। मतलब ये क्यों जानता हूँ मैं, क्योंकि अपने गांव का ही बात। नीचे आओ जरा, पेज नंबर 151 पे प्लीज आइएगा। तो अभी तक क्या हुआ है, पाकिस्तान बौखला गया, क्यों, क्योंकि हमने LOC क्रॉस कर लिया नहीं किया। नीचे आइए, मई 1999 कारगिल विक द बंकर। तो मई 1999 में कारगिल में जो बंकर खाली कर दिया गया, करा लिया गया, खाली क्या किया गया, उसको नहीं भगाया जाता, नहीं भागता। दिसंबर 1999 IC-814 हाईजैक। अब ये IC-814 क्या है, फ्लाइट नंबर है IC-814 हाईजैक। अब ये बहुत बड़ा रोल आपको प्ले करने को मिलेगा अफगानिस्तान से। जो IC-814 हाईजैक हुआ, अभी पहले वहां पे एक बार देख लो, फिर इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग है। सो इन 2000 वी रिलीज अजहर मसूद, एंड मसूद ने ISI का हेल्प लेकर जैसल मोहम्मद बनाए। सुनना ध्यान से, जैसल मोहम्मद बनाया इसने, दो चीजों का ध्यान रखने का। पहली बात, IC-814 जो था सर, ये पाकिस्तान ने हाईजैक करवा के अफगानिस्तान में लैंडिंग करवाया। अच्छा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस बात का पूरा खुलेआम विरोध कर रही थी कि हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब हमें नहीं करना है। लेकिन सर उस समय तक सिचुएशन आप देखो, 2000-2001 तक क्या सिचुएशन था, दो तीन बातों का सिचुएशन था। पहला कि तालिबान प्लस अलकायदा, बोला था कि दोनों का सपोर्ट चाहिए था, मेजोरिटी में वो लोग थे। अच्छा, नॉर्दर्न अलायंस जो बताया था, जो मसूद और अजहर मसूद और सब, वो लोग सरकार बना नहीं पाए थे और उसके पीछे आपस में वो लोग लड़ रहे थे, याद है नहीं याद है। अब सर ये लोग थे, इनका प्रेशर अफगानिस्तान पे, जबरदस्ती अफगानिस्तान में लैंड करवा दिया गया, हाईजैक करवा के। कमाल की बात अब ये हुई कि उनको हाईजैक करवा के लैंड करवा तो जरूर लिया गया, अजहर मसूद जो नाम दिख रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जिसका संबंध नॉर्दर्न अलायंस से जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आइएगा, जो नाम है जैसल मोहम्मद, इस नाम को भी इतना दिमाग में रखिएगा कि रिलेटेड है सिर्फ अजहर मसूद से, क्योंकि अभी इसका यूज आने वाला है तुरंत आगे। तो अभी बस रिलेशन याद रखिएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा। 2001 में जैसल मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे अटैक किया, एंड ऑपरेशन पराक्रम बाय इंडिया। तो सर पार्लियामेंट पे 2001 में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ बाय इंडिया, लाइक ब्रास टैक, जहां सैनिकों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को डराते थे। तो हमने उसको कुछ मारा वाला नहीं, पराक्रम में भी फिर हमने वही काम किया जैसे हमने कहा किया था ब्रास टैक में, 1.5 लाख सैनिक से भी ज्यादा लोग को रख के, और राजस्थान में हमने किया था परेड और दिखाने के लिए कि देखो हमारी शक्ति कितनी है। सुन पा रहे हो? नीचा नीचे नीचे बस नीचे आ जाओ। अब सर अटल जी के समय दो बातें हुई, देखिएगा ध्यान से। एक है CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और दूसरा है CD कंपोजिट डायलॉग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं तो जितना ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट एक दो है, उससे कहीं ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी फिर मैं पढ़ाऊंगा शुरुआत का, तो उसमें आपको फिर वापस आ जाएगा। दो चीज, एक है CBM और दूसरा है CD। अब सर इसमें आपको ये किसके समय है, अटल जी के समय। तो अटल जी का दो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक है आपका CBM और दूसरा क्या है CD। CD है कंपोजिट डायलॉग और CBM है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत क्या क्या हुआ, पहला बस चलवाया गया, कहाँ से कहाँ तक, अमृतसर से लाहौर। दूसरा क्या काम हुआ सर, दूसरा क्या काम हुआ कि खुद मीनारे पाकिस्तान जाकर और बोले कि सही हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट है, मतलब हम उसको एज ए कंट्री मानते हैं। सुन पा रहे? अब सर ये जो डायलॉग बनाया गया था, इधर इस कंपोजिट डायलॉग में इंडिया पाकिस्तान को बुलाता था और ओपनली जिस चीज पर भी पाकिस्तान डिस्कशन करना चाहे, जो प्रॉब्लम है बताना चाहे, वो कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं। ये बहुत अच्छा सर स्कीम था, लेकिन हरामखोरी लेवल का नेक्स्ट लेवल होता है ना, जिसके रग रग में ही हो,
उसका क्या होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था, अभी पूरा बता लूंगा तब आप आंसर देना, अभी मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आंसर बाद में देना। क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या हमें कंपोजिट डायलॉग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये रहने देना, अब मुझे बता लेने दो, तब आंसर आप देखते हैं कितना दे पाते हो। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्या हमें कंपोजिट डायलॉग करना चाहिए या नहीं। कंपोजिट डायलॉग का सिंपल मीनिंग है, पाकिस्तान को बुलाया गया, आराम से बोला गया, जिस मतलब जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है डिस्कशन करो और आराम से हम उसके प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। सर बहुत अच्छी बात है, इतना मौका तो, ये अच्छा बात है कि आपका कनेक्टिविटी बनेगा। प्रॉब्लम बताओ ना यार, क्यों इतना लड़ झगड़ रहे हो, आप प्रॉब्लम बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो अपन समझा मतलब अपना करेंगे, अगर नहीं जब हो पाए तब तुम देखेंगे आगे नीचे आइए। तो कंपोजिट डायलॉग में जहां आप मल्टीपल इश्यूज पे बात कर सकते हैं, लाइक ट्रेड पे या कश्मीर मुद्दे पे एटसेट्रा, किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, नीचे आइए। बट आफ्टर ऑपरेशन पराक्रम सीडी वाज सस्पेंडेड। अब क्यों सस्पेंड हुआ, इधर देखो, एक तरफ कंपोजिट डायलॉग बातचीत चल रहा है प्यार से, दूसरी तरफ अटैक पे अटैक। भाई दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हो, उधर आप अलग अलग जगह पे बम धमाके सारा कुछ कर रहे हो, और हमें आपको बुला के प्यार से बात करते रहे, सस्पेंड हुआ। लेकिन फिर जरा नीचे आइए, 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने फिर शुरू कर दिया। 2004 में किसका सरकार आया, मनमोहन सिंह, मतलब मनमोहन सिंह नहीं कहेंगे, यूपीए का करेंगे, कांग्रेस का। अब भाई ये हाथ छाप बहुत हो गया इधर से, ठीक है, इधर से क्या डाला, इधर से क्या निकला आपको पता है। अब ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आलू डाल के सोना निकाल दिया इन्होंने। अब बोला क्या कि सर सीढ़ी फिर से शुरू करेंगे, बोला बहुत बढ़िया। अब सीढ़ी जैसे ही हुआ दो चीज़ें हुई, फिर आने लगे पाकिस्तान, फिर बात होने लगी, और फिर बार बार एलओसी पे बार बार फिर रूल ब्रेक होने लगा। अब जरा एक बार देखना, इसीलिए शांत आदमी को छेड़ो मातूलों पे गुस्सा आ जाते हैं। नीचे आओ, 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने फिर से सीढ़ी स्टार्ट किया, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान टेरर अटैक करता रहा, मुंबई अटैक, 26/11 वायलेंस इन कश्मीर, सो ओवरऑल सीडी वाज नॉट सक्सेसफुल। तो एक तरफ बात हम करते रहे, दूसरे तरफ हम सर हमेशा दुख और सारा कुछ हमारा होता रहा, मतलब सारा कुछ बेकारी होता रहा, एक तरफ बात चल रहा था। इसीलिए इधर इधर आप लोग को लगता है मोदी जी कुछ नया लाए हैं, मुझे फॉरेन पॉलिसी खाली पढ़ा लेने दो, वही काम मोदी जी कर रहे हैं जो काम जवाहरलाल नेहरू करते थे, सेम काम डिट्टो, कोई फर्क नहीं है उसमें। मुझे एक बार फॉरेन पॉलिसी वहां से जवाहरलाल नेहरू से लेकर वहां तक पढ़ा लेने दो, और आपको खुद लगेगा कि सेम काम है, बस क्या किया है, वाइन सेम है, बॉटल बदल गया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वही है, नाम जो चल रहा था। अब इन्होंने एक एक डायलॉग बोला, क्या बोला, टेररिज्म विल नॉट गो विथ स्टॉक्स, मतलब इधर बात भी करते रहे उधर आतंकवाद भी चलता रहे, ये काम नहीं होगा, ये काम पहले ही बोल दिया जा चुका था। अब जैसे ही हुआ इधर बोला गया सीढ़ी करते रहिए, और उधर 26/11 उधर अटैक, कश्मीर में बवाल, इंडिया को बर्बाद, बस फिर इधर स्टेशन, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सीढ़ी चल रहा था तो क्या सक्सेसफुल था, नहीं था। तो सीढ़ी सक्सेसफुल नहीं था, क्वेश्चन याद है क्या पूछा था, क्या पूछा था, डू यू थिंक कि सीढ़ी जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अभी अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, हालांकि किसी लोग के मन में आंसर चल रहे होंगे, मुझे पता है आंसर के नाम पे कुछ नहीं चल रहा होगा, बट आप लोगों को क्या लगता है, सीडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को पाकिस्तान को जला के राख करके और एकदम सर जाके काशीनाथ पे डुबा देना चाहिए। तो सुन लीजिए, सुनिए, सीडी जो है फिर से, पहले बार अटल जी ने शुरू किया, फिर सस्पेंड हुआ, फिर यूपीए गवर्नमेंट उसको शुरू किया, फिर अब उसके बाद आगे जाके फिर सस्पेंड कर दिया। बट याद रखिए, सीडी सर करते रहना चाहिए, ये दिक्कत नहीं है कि आप एक बार फेलियर हो गए चाहे दो बार फेलियर हो गए, बट बातचीत का हमेशा, और मैंने आपको वायर में पहले भी बताया था कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक है, बात करते हैं, मैं बोला कितना भी मारपीट हो गया है रिलेशनशिप में, कितना मारपीट हो गया, कोई भी हो गया, बस बात करते रहो, गुस्सा आ गया कछुल दो, मम्मी से नाराज हो गया, पापा से नाराज, बस बात करते रहो, बात नहीं करोगे तो सर दिक्कत आपको हो जाएगा, सुन पा रहे। तो इसीलिए बोला गया, और ये मेंस का बहुत हॉट टॉपिक है ये, तो कंपोजिट डायलॉग होना चाहिए। एक बार आपका मतलब हलवा से मुंह जल जाए तो इसका मतलब आप हलवा खाना मत छोड़ दीजिए, बस कोशिश ये करिए कि हलवा को थोड़ा सा ठंडा करके खा लीजिए ताकि ठीक रहे, हलवा से नफरत मत करिए, उसी तरह से बातचीत है।
एक बार मारपीट हो जाए तो बातचीत बंद बंद करो, होता रहता है। वैसे भी अगर माता पिता को में थोड़ा नोकझोंक चले रहे तो ठीक रहे, माता पिता बोला हूँ मैं, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में भी चले तो अच्छी बात है, और सप्ताह महीना में एक बार तो होना ही चाहिए पूरा एकदम ताकि प्यार बना रहे, समझ रहे। तो एक दिन आप निकालिए एक महीने में एक दिन, जिस दिन क्या है पूरा हंसवा दे दी और आराम से उस दिन बस चलिए, नहीं ऐसा नहीं करिएगा, बस याद रखिएगा कि हाँ मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा मारपीट होता रहे तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो मन बोरिंग हो जाता है। पेज नंबर 152 पे आइए और राइट साइड में पढ़िएगा, इन 2003 टू मेंटेन पीस एट एलओसी बोथ पार्टीज मेंटेन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है बाय साइनिंग सीज फायर एग्रीमेंट एंड ए कंपोजिट डायलॉग वाज लॉन्च्ड। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति स्थापित करना, तो ट्रैंक्विलिटी को एज इट इज स्टेटस को शांति स्थापित करने के लिए हमने दो तीन चीजें करी, उसमें कंपोजिट डायलॉग एक बहुत अच्छा लॉन्च हुआ। अब पेज नंबर 153 पे आना, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह तक, तो कहां तक आ रहे हैं 2004 से 2014, और 2014 के बाद तो याद है भाई और बहनों आज रात 8 बजे से जो है आप जो है पेट्रोल भरवा लीजिए, नहीं तो हम पेट्रोल की जगह पे पानी देंगे नीचे। तो 2004 से 2014 में सुन लो एक बार, मनमोहन सिंह कंपोजिट डायलॉग इन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा दूसरा, कंपोजिट डायलॉग हो रहा था तो क्या क्या परिणाम निकले थे। दूसरा पॉइंट, CBM भी कंटिन्यू हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू कौन किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन यहाँ शुरू यहाँ पे भी हुआ है, मनमोहन सिंह शुरू किए हैं, बहुत अच्छी बात है। थर्ड, पाकिस्तान कोवर्टली बताया था सीक्रेटली, तो कोवर्टली पाकिस्तान अटैक करता रहा इस समय तक भी और हम कोवर्टली जवाब देते रहे। अच्छा कमाल की बात यह है कि मनमोहन सिंह के समय बहुत बार एलओसी का रूल तोड़ा गया। अब हर दिन न्यूज़पेपर सुनेंगे पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर लाइन को ब्रेक किया, पाकिस्तान फिर से एलओसी को क्रॉस किया, ये बहुत बार आप सुनेंगे। आप न्यूज़पेपर देखिए ना, अगर 5 से 5-10 साल पहले का न्यूज़ तो खाली आपको यही मिलेगा इतनी। अच्छा मनमोहन सिंह इधर से आता था, पाकिस्तान आपकी बार कुछ किया, जवाब दे ही होगा, अच्छा फिर मार दिया, फिर बोले आपकी बार कुछ हुआ, मारेंगे भाई, होते होते दिमाग खराब हो गया। अब सर आए ये अब क्या हुआ, इतना मार मारा पाकिस्तान, बोला गलत बात है ये आप ऐसा नहीं कर सकते, अब उल्टा स्टेटमेंट हो गया, ये क्या बोल रहा है, ये एलओसी क्रॉस कर रहा है। अच्छा इंडिया अब वही बात, चीज बदल गया जब तो चीजें चेंज हो गई। मनमोहन सिंह बेचारा प्यार से बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था इनके आते आते, उसके बाद सर स्टेटमेंट सीधा बदल गया, और पाकिस्तान हर 3 दिन में बोलता रहता था इंडिया गलत कर रहा है, नहीं नहीं आया इधर से ही बोला था, मारो सब ये खत्म करो। ये इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया था मोदी जी से, इंटरव्यू में पूछा गया कि तो आपको क्या लगता है कि आपको आपसे किसी को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, मतलब हम समझे कि सब प्यार से चलेगा, बोला कुछ लोग को डरना तो पड़ेगा। अब सर ये जो डायलॉग है, कुछ लोगों को जो आप देखते हैं ना आपकी अदालत, तो आपकी अदालत में मतलब रजत शर्मा, तो उसी में वो आए थे, तो उन्हीं में वो पूछे थे और उनसे कमिटमेंट करवा लिया था कि अभी आए हैं PM बनने से पहले, बोला क्या वादा करिए कि PM बनने के बाद भी आइएगा। रजत शर्मा भी तेज, बहुत तेज आदमी है, उसको पता था कि एक बार PM अगर बाद में आ, समझ रहे सर चैनल का क्या TRP जाएगा, फाड़ कर रख देगा ऐसे ही, लेकिन वैसे रजत शर्मा ठीक ठाक आदमी है। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शांति से बार बार मनमोहन सिंह को जरूर बोल रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह सर शांति आदमी थे, अच्छा बड़े पीसफुल आदमी थे बेचारे, मतलब बड़ा अच्छा, मुझे तो पर्सनली अभी न्यूज पेपर में उनका फोटो भी कुछ वायरल अभी हो रहा है वोट देते हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था मनमोहन सिंह का, कुछ भी हुआ ना एकदम शांत रहते थे, कुछ भी मतलब कोई एकदम कोई इधर उधर कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा कुछ भी उधर मार भी था कुछ क्या हुआ क्या नहीं कुछ, उनको कुछ मतलब नहीं रहता था, एकदम शांति आदमी थे। हम समझ गए थे इस बात को उस समय तक कि सर मनमोहन सिंह जो है इसके बाद एक क्यों किए हैं, मनमोहन सिंह क्यों शांत रहे, उसके पीछे कारण है, उनका पर्सनल रीजन नहीं है। हर प्राइम मिनिस्टर ना एक प्राइम मिनिस्टर के बात को आगे बढ़ाया है, आगे पढ़ाऊंगा आई के गुजराल का कंट्रीब्यूशन और ज्यादा है, उन्होंने अलग दिमाग लगाया, इंदिरा गांधी ने इतना मार मारा, इतना भौकाल फैला दिया, राजीव गांधी आके फिर इतना भौकाल फैला दिए कि साउथ अफ्रीका से हमारा रिलेशन खराब हो गया, साउथ अफ्रीका कर रहा है महात्मा गांधी वाला देश था, शांति देश था, ये सब आगे सर दिमाग खराब कर दिया, ये सब मारपीट कर रहा, तो इसीलिए उस समय तक इतना हमारा सर अलग परसेप्शन बन गया था कि इंडिया शांति देश होते हुए क्या कर रहा है। तब PM ने आई के गुजराल ने अपने पूरे कार्यकाल में आर्मी शब्द यूज ही नहीं किया, ना इंडियन मिलिट्री शब्द कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया सर, बहुत बड़ा वो एकदम न्यूट्रल हो गया कि नहीं यार अब हमारा जो छाप है वो बदल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको शांति करने के लिए उन्होंने पूरा कभी स्टेटमेंट, और पढ़ाऊंगा मैं आपको गजब सर फॉरेन पॉलिसी, और हर PM ने एक PM के बात को बहुत आगे तक बढ़ाया है। यहाँ पे जो लोग नॉर्मल आदमी सोच
सोचते हैं कि कांग्रेस ये उसका कुछ नहीं सर, पीएम पीएम होता है और पीएम सिर्फ देश का होता है वो चाहे कैसा भी हो। और आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हर पीएम ने उसके काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। नीचे आइए जरा। अब दूसरा बात, तो सर दो चीज हो रही थी, पहला सीबीएम कंटिन्यू था, कंपोजिट डायलॉग भी कंटिन्यू था, पाकिस्तान भी हम पे अटैक कर रहा था, हम भी अटैक कर रहे थे, कोवर्टली सब चल रहा था। चौथा नीचे ये सीडी वाज फेलियर, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए। तो पापा से भले ही मारपीट हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं कि बात करना बंद कर दे, बात करिए, उनमुनाइए के बात करिए, लेकिन करिए। नीचे आइए, इशूज ड्यूरिंग मनमोहन सिंह, तो क्या क्या प्रॉब्लम था। पहला डोमेस्टिक टेररिज्म, सर हमारे अंदर तो गजब किस्म का आतंकवाद उस समय गजब किस्म का चल रहा था और सर न्यूज में हर दिन यही सुनने को मिलता था, परेशान हो गए थे हम। आज सर आपको बहुत रिलीफ है, भले ही उसके अपेक्षा आज बहुत रिलीफ है, बहुत ज्यादा रिलीफ है, कम नहीं। नहीं तो पहले तो हर बार आपको सुनने को एक बार मिल ही जाएगा कि दो मारे गए, तीन मारे गए, चार मारे गए, मतलब डेली चलता था, डेली बेसिस पे। नीचे आइए, मुंबई अटैक 26/11 एटसेट्रा। नीचे कश्मीर में स्टोन बिल्डिंग, पत्थरबाजी, ये सब भी होता ही था। अब जरा नीचे आइएगा, देन मनमोहन सिंह खुद कश्मीर गए एंड वहां पता किया, देन ही फील कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक पैकेज स्टार्ट किया गया। बड़े अच्छे आदमी थे। नीचे आइए, वहां भी सभी पार्टी के लोगों से डिस्कशन करने के बाद यही बोले कि डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। अच्छा, ये डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, ये चाणक्य नीति है, और चाणक्य नीति पहले ही बोल चुका है कि इस दुनिया में अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है तो हर राजा को पहले इकोनॉमिक वेलफ होना पड़ेगा और उसके बाद फिर मिलिट्री करना पड़ेगा। लेकिन मनमोहन सिंह का ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम था, उन्होंने डेवलपमेंट पे पैकेज पे फोकस किया, लेकिन ये पैकेज कितना इंप्लीमेंट हुआ इसको भी देखना ज़्यादा जरूरी है। जरा नीचे ये पेज नंबर 154 पे मोदी आगे, समझ रहे भाई, भौकाल फैला का नाम सुनते ही मतलब समझ रहे, अजब किस्म मोदी, हाँ एक एक्सप्रेशन आ जाता है गजब किस्म का भाई, मतलब कुछ भी है लेकिन पूरा फैला रखा है, भले जो चाहे जो भौकाल तो पूरा है। तो पहला है मोदी एक्सटेंडेड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, मोदी ने भी मतलब वही मोदी जी कर रहे हैं जो अटल जी ने, आप देखेंगे तो मोदी जी का बहुत सारा स्टाइल अटल जी से काफी प्रभावित है, ठीक ना, काफी ज्यादा, और खुद अपने बातों में भी जिक्र करके रखे हैं, काफी इन्फ्लुएंस भी है उनके, तो काफी इन्फ्लुएंस उनसे है, तो हर तरह से हैं, जो जो काम अटल जी करते जैसे जैसे वैसे ही काम मोदी जी किए हैं। बट नीचे आइए, पहला इन्होंने भी सर सोचा कि दोस्ती का अपनाते हैं, तो पहले इधर शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया। अब हम तो सर निमंत्रण भेज ही देते, वो हराम खोर आके खाइए लेता, बम मार के चल जाता है। अब आइए जरा, तो पाकिस्तान के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान भी आया ओथ टेकिंग में, मोदी जी ओथ ले रहे हैं समझ रहे हैं, और पाकिस्तान पीछे बैठे हुए। नीचे आइए, आर्मी प्रेजेंस इंक्रीजेज इन कश्मीर ड्यू टू डिटरेंस इन जम्मू कश्मीर, तो आर्मी का प्रेजेंस यहाँ पे आते समय धीरे धीरे हमें बढ़ा दिया गया, उसके पीछे बहुत सारा कारण थे, एक तो स्टोन पेल्टिंग पत्थरबाजी चल ही रहा था तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, और दूसरा ये दिमाग में पहले से बीजेपी का मुद्दा था ही कि 370 को किसी तरीके से हटाना है। नीचे तीसरा पॉइंट, मिटिगेटिंग इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, मिटिगेटिंग इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या है कि भाई ये किसी भी तरीके से मिटिगेट मैंने बोला था कम करना, अब किसी भी तरीके से सर आप जितना सारा जो इकोनॉमिक जो स्थिति है जो खराब है इसको किसी तरह से ठीक करना पड़ेगा। दूसरा देखो, याद रखिए आप लोगों को लगता होगा कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम सर गजब चल रहा है, बात सही है, खराब नहीं चल रहा है, आप समझ खराब नहीं चल रहा है, बट चीजों को समझिए क्यों, उसके पीछे समझिए बातों को। दिल्ली में सर दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है, गजब का है कि सर उसका प्राइवेट स्कूल नहीं है। दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम होता है और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे तैयारी करके स्कूल में एग्जाम देते हैं सरकारी में ताकि एडमिशन ले सके, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ ट्रूथ अलग अलग चलता है वहाँ पे, और सर ये दिखाता है कि क्या उसने लेवल बनाया है। तो प्राइवेट में आप क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और उसको इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सके, और एकदम गजब लेवल का काम होता है। मैं खुद उसमें तैयारी करवाऊँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था तब मैंने 3 बच्चों को तैयारी करवाया। अब ये जो लेवल है ना सर, क्यों कैसे हो गया, अब कुछ चीज़ों को लगता है आप लोगों को लगेगा क्या कर दिया यार केजरीवाल, ये चीज इंडिया में भी लग सकता है, और आपको मैं समाधान बता देता हूँ, ये आप तो रेडी रहिए बिहार में, एक तो एजुकेशन वाले क्वेश्चन के लिए और स्पेशली प्राइम जो टीचर्स लोग हैं ना हमारे प्राइमरी टीचर शिक्षा मित्र एंड ऑल सारे जो ग्राउंड लेवल के टीचर हैं इन लोग के लिए रेडी रहिए। क्यों, पहला क्वेश्चन आईएएस में यही पुटअप किया जाएगा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम जो है जड़ से ठीक नहीं हो रहा है। अब वहाँ अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, जिस टीचर की सैलरी 30,000 थी सीधा बोला 1,00,000, जिसकी 40,000 है वही 1,00,000। सर वही आदमी जो पहले 3 घंटा काम करता था आज 10 घंटा करता है, 12 घंटा करता है, अरे कुछ नहीं करना है आपको, आप सैलरी बढ़ा दो, वही आदमी मेहनत करेगा गारंटी, उसने कुछ नहीं किया, बाकी जैसा था वही है सब कुछ,
बस क्या किया, अब संडे को भी क्लास चल जाएगा। क्यों 1 लाख ले रहे हो? और आपके अंदर खुद ही, याद रखिए जब पैसे आते हैं तो जिम्मेदारी खुद ब खुद निकलता है। अरे नहीं यार पैसा दिया है भाई, वो कितना भी हराम खोर क्यों नहीं हो, वो जरूर सोचेगा कि 1 लाख दिया है और ज्यादा कुछ तेना मैंने किया तो सरकार भी ऊपर से 1 लाख ले बो सुतबो चलबो कि ना चलबो। तो ये जो काम है उसने कुछ नहीं किया है। तो आपको ये अपने मेंस आंसर में चाहे इंटरव्यू में बताना है कि सर सीधी सी बात है, इकोनॉमी हर तरीके से हर किसी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसी आदमी का जो बिहार में वही टीचर जो आज कर रहा है, अरे कहां से नए आदमी लाओगे ट्रेन करके? आप लोग बोलते हैं कि सर हम ट्रेनिंग देंगे। अरे ट्रेनिंग दोगे पर आदमी नया नया कहां से लाओगे भाई? जो आदमी है उसको कैसे ठीक करोगे वो इंपॉर्टेंट है ना। ट्रेनिंग देके घंटा ठीक नहीं होने वाला है। इतना सारा ट्रेनिंग चल रहा है PMKBY, ये फिर ये दीनदयाल उपाध्याय क्या हो गया, कुछ नहीं करना, वही ट्रेनिंग का पैसा, इनका सैलरी बढ़ा दो, सारा ट्रेनिंग ठीक हो जाएगा। इनका जूता मोजा पहन के आ जाएंगे डेली कस के और आराम से बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने अच्छा यही किया कि सर सैलरी इतना इंक्रीज किया, सर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का गजब किस्म का सैलरी, इसलिए वहाँ बीएड और इंट्रेंस एग्जाम जो सीटेट और अलग एग्जाम की जो तैयारी होती है तो बहुत होती है। और इनफैक्ट तैयारी करने के लिए मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ 67,000 रुपए लिया हूँ सिर्फ निकलवाने के लिए। मतलब वो उस तरह से निकलवाना नहीं, तैयारी करवा के निकलवाना। एक लेडीज भी थी, औरत थी, जो उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तीन बच्चे चार बच्चे उनके थे, लास्ट अटेम्प्ट था बेचारा उनका, तो लास्ट अटेम्प्ट था तो मैंने मेहनत किया और उनका एग्जाम निकला तो बड़ा पैसा मिला मुझे, मतलब खुश हो गए थी। वो तो पहले से वो लोग अमीर था, पंजाबी थे वो लोग। तो ये आप वहाँ पे क्यों किया, टीचर का क्यों स्कोप बढ़ गया? क्योंकि सैलरी बढ़ा दिया। अब सैलरी बढ़ा दिया तो सीटेट का भी पेपर बढ़ गया और सीधा का सीधा सब सुविधा ठीक हो गया। मेट्रो क्यों हुआ, मेट्रो हुई। अब यहाँ पे भी सैलरी के लिए टीचर डिमांड करते रहे तो लाठी चलवा देगा, मार लाठी। अब टीचर क्या है, अब बढ़ाएगा क्या, कितना, अब से इसके बाद 1,000। अब सर टीचर करे तो क्या करे, देखो शिक्षा मित्र उनका अलग है, इसलिए सर कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मेंस में याद रखिएगा इकोनॉमिक वेल्थ किसी के लिए भी जरूरी है। और सीधा सा साइकोलॉजिकल हायरार्की है कि किसी के पास बाइक होगा तो कार के बारे में सोचेगा, किसी के पास कार है तो बेस्ट कार के बारे में सोचेगा। उसी तरीके से टीचर की सैलरी बढ़ा दीजिए, सब सुविधा ठीक हो जाएगा। सरकारी स्कीम और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं है। टीचर को 1 लाख दीजिए, टीचर घर जाके बुला के बाइक पे बैठा के लेके पढ़ाएगा, चिंता मत करिए आप उसको दीजिए। आप देते ही इतना है कि उसका मसाला घर का काम नहीं चलता यार, वो तो उधारे, हर टीचर का उधार कितना चल रहा है आपको पता है इंडिया कि वो इंतजार में कब आएगा और कब देगा। और दुकानदार वाला भी इंतजार में, कब भाई चाचा। अब सर ये भी क्या करे, हर टीचर के पास वो है, अच्छा जैसे जिस दिन पैसा आता है ना सर, घर का गजब का मतलब माहौल होता है उस दिन, घर में ले आओ उधर से बकरा ले आओ। नीचे आइए, खैर कोई बात नहीं। तो सर आगे नीचे रहेगा इंडिविजुअली। तो पहला इन्होंने भी वही काम किया कि सर किसी भी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर को जम्मू कश्मीर में ठीक किया जाए, जॉब दिया जाए, कोई मुद्दा नहीं है इधर। आप क्या ट्रेनिंग दोगे, क्या समझाओगे, क्या माइंड वॉश करोगे, अरे उनको जॉब दो यार, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। घर में भाई होता है जब तक काम नहीं कर रहा तब तक बड़े नखरे होंगे उसके, देखिएगा आपके घर में भाई होगा, बहन पे नहीं स्पेशली भाई पे, भाई लोग में थोड़ा ज्यादा होता है समझ रहे हैं, वो नेचुरल है। वो जॉब नहीं है ना तो ज्यादा नौटंकी करता रहेगा, तोड़ फाड़ और पापा मम्मी से चलता रहेगा उसका, बग झक नुक झुक। जैसे ही वो पैसा कमाने लगेगा सर देखना गजब का सुधार आएगा उसको, कहेगा भैया तुम तो एकदम बदल गए भाई, बेंगलोर जाके समझ रहे हो, मतलब जाके वहाँ पैसा कमा रहे हैं। अब पैसा कमाया, इकोनॉमिक जब आदमी कमाता है ना तो धीरे धीरे उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। अब वही बहन को जो डांट के बोल रहा था लगाएगा, उसी बहन को बड़ा प्यार, ये ले तेरे लाया हूँ सर, समझ रहे हो क्यों, इकोनॉमिक फैक्टर। इसीलिए एक ही तरीका है, अगर आप कर रहे हैं कुछ तो थोड़ा सा कमाते रहिए, ज़्यादा दिन तक बेरोजगार ठीक बात नहीं है सर। नीचे आइए, इंडिविजुअली फायदा होगा बट फिर भी पठानकोट अटैक हुआ, उड़ी अटैक हुआ, पुलवामा एटसेट्रा, एन ISI पैसा देकर जी भी करवाता रहा, देन इंडिया सेड नो डायलॉग विथ पाकिस्तान, क्योंकि बात भी और आतंकवाद भी ये नहीं चलेगा। तो मोदी ने यही बात बोला क्या, बात भी और आतंकवाद भी, मजाक चल रहा है। अब सर मजाक चल रहा है तो दो होने वाला है, कंपोजिट डायलॉग तो यहाँ भी चल रहा है, लेकिन सर यहाँ चलने के बावजूद भी देखो पाकिस्तान में भी सारा कुछ चल रहा है। अब नीचे आ जाओ, नीचे नो ट्रेड विथ पाकिस्तान। अब मोदी जी है ना भाई, अब पहले कह रहा है इधर क्यों दिमाग लगाए, देखो क्या दिमाग लगाया, बोला पाकिस्तान को मार के सुधरेगा ही नहीं, ये थेथर आदमी है, इसको इकोनॉमिकली कमजोर करो, इसको इकोनॉमिकली मारो, क्योंकि और दूसरा कोई तरीका नहीं, इकोनॉमिकली मारोगे सारा इसका होश ठिकाने आ जाएगा। अब सर ये जाली नोट से कमा रहा है, जाली नोट से कमा रहा है, जाली नोट सब बंद करो पहले। दूसरा क्या करो, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा कि कैसे 5 रुपए के सिक्के को उसको सर ब्लेड में बदल दिया जाता था, और बांग्लादेश वाला क्या करता, सुना पाकिस्तान वाला 5 रुपए का सिक्का है
₹5 के सिक्के को ले जाता था, उसको सर तोड़ता अड़के सब अपना मेल्टिंग उल्टिंग करके और सर उसको ब्लेड में कन्वर्ट करता था और ₹5 के सिक्के को कम से कम मान लो 10 ब्लेड बना लिया एग्जाम्पल, या मान लो कितना ब्लेड बनाया 5, तो ₹5 के सिक्के से 5 ब्लेड बनाया और 1 ब्लेड का कीमत है 2 रुपया, कितना? तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 10। गजब गजब का आइडिया है सर, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं। इसीलिए इंडिया ने इसको फिर बैन किया सिक्के को, इसीलिए आप सिक्का 5 का देखोगे तो भारी नहीं आता है, हल्का आएगा, 50 पैसा की तरह लगेगा 50 पैसा का है। इसी वजह से मेटलिक और फिर कैरेक्टर में 10 के सिक्के आने लगे। क्यों? उसके पीछे और भी कारण है, वो अलग अलग इस तरह से मेटल किया गया कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सके। इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ यही नहीं, नीचे आओ तो आप मजा आए आपको बहुत सच समझना वहां पे कैसे किसी का इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल और बाहरिक मूल कैसे होता है। जैसे राजा महाराजा लोग क्या है, जिस राजा का जितना सारा मेटल धातु हेवी क्वाइन, उस राजा को माना जाता है मजबूत राजा है। और जैसे उसका सर क्वाइन या सिक्का राज का कमजोर होना मान लेते थे कि राजा अब कमजोर हो रहा है, तो वहां पे भी क्या किया जाता था, सोने चलाए जाते थे। मान लो सिक्का दिया, वो पिघला के, सुन पा रहे हो कि सो गए सर, तो सिक्का पिघला के, मान लो सिक्के का वैल्यू था 10 रुपया, वो पिघला दिया, वो 20 रुपये में बेच दिया, तो राजा समझे तो हमसे भी 30 मार का निकल गया सब। तो उसने क्या किया, सोने का मात्रा कम करने लगा ताकि इसको पिघलाए भी तो उसका वैल्यू ज़्यादा ना हो। सेम काम बांग्लादेश ने अपनाया, इंडिया 5 का सिक्का हेवी निकालता था, आराम से लेके गया, ब्लेड बनाया, 2-2 रुपये में बेच दिया, 5 का हो गया 10। और इतना ही जाली नोट इतना बढ़िया चल गया था, अच्छा कारखाना कहीं और नहीं, नेपाल में भी लगा था, बढ़िया से नेपाल में चल रहा था, पाकिस्तान एकदम आता था, इतना ज़्यादा फ्लाइट आने लगा पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए नेपाल की, इंडिया समझा कि अचानक से फ्लाइट बढ़ क्यों गया इधर। तब हुआ कि काउंटरफिटिंग जाली नोट जो है ये शुरू हो चुका है नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में, और सबका मास्टरमाइंड कौन है, वही हरामखोर का जो कोर्स किया हुआ है, बताने की जरूरत ही नहीं है, नहीं चाहिए सर। तो पहले इंडिया ने क्या बोला, मारो इसको इकोनॉमिकली, नो ट्रेड विथ पाकिस्तान। अच्छा दूसरा, आतंकवाद को हटाओ पाकिस्तान से। तीसरा, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की इंक्रीजिंग संख्या जो है काफी बढ़ा दिया, नीचे आओ। बट पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को रेडिकलाइज करता है। अब सर देखो, अब उसका सारा रास्ता बंद हो गया, अब कोई नहीं बचा, तो वही बचा व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पे जो हमारे सो कॉल्ड जुआ है, युवा नहीं जुआ, जो सर बिना मैसेज देके फॉरवर्ड कर देते हैं और खामोखा सोच लेते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान ने सुंदर व्यवस्था किया है चाइना के मदद से। एक बार पढ़ लेते हैं, जरा देख लीजिए, आपको ओपिनियन बनाना आसान हो जाएगा। ओपिनियन तो बनाना नहीं जाता है लेकिन बना लेते हैं लोग। देखिए, पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को रेडिकलाइज करता है, क्योंकि युवा बिना फैक्ट के ओपिनियन बना लेते हैं, इसलिए अब पाकिस्तान चाइना के हेल्प से साइबर वार करता है। जरा नीचे आइए, तो एक क्वेश्चन है इसमें, सो इंडिया को डिजिटाइजेशन पे नहीं बल्कि डिजिटल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेंस पे आप इसको यूज करेंगे। हमें डिजिटाइजेशन पे नहीं डिजिटल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, आप खाली हर जगह नेटवर्क और 5G 4G मत पहुंचा दीजिए, उसके बारे में नॉलेज भी दीजिए कि किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से लिंक को ओपन करना है, कौन से लिंक को नहीं करना है, कौन चीज़ को कैसे जवाब देने, ये एजुकेशन देना जरूरी है। सिर्फ डिजिटाइजेशन से नहीं हो जाएगा, डिजिटल एजुकेशन जरूरी है। अच्छा नीचे आ जाओ, अब पाकिस्तान तो बिना गन एंड आर्म्स के ही यूथ को भड़का लेता है, तो उसके लिए और अब खर्चा आसान हो गया है। पहले तो सर हथियार देता था और बोलता था जाके मारो, अब कुछ नहीं करना है, युवा ऐसा ही हथियार लेके घूम रहा है क्या, ओपिनियन बना के। एक व्हाट्सएप मैसेज करो सर, 1000 लोग ओपिनियन बना ले रहे हैं। ऐसे आया 5G पे, क्या आया कि 5G का ट्रायल की वजह से कोरोना आया है, बीच में हुआ था, अरे भूल गए क्या, आप ही तो फॉरवर्ड किए थे, झूठ मत बोलो सर। ये देखो देखो क्या बोलेगी, मतलब आप लोग नहीं, अब आप लोग यहाँ आए तब आपको कैसे बोल सकते हैं समझा। अब उसमें दो चीज हुआ था कि इधर पूरा वायरल हो गया था कि सर, अच्छा कुछ बहुत चमगादड़ के कुछ करने से कुछ हो गया, अरे अजीब अजीब बात है। चाइना सर इसलिए वो रेडिकलाइज किया मैसेज को, कारण था इंडिया ऑप्टिकल फाइबर और सारा कुछ चाइना से लेता था, सडनली इंडिया ने उसको रोक के और ऑप्टिकल फाइबर अपना बनाना शुरू किया। अब सीधा चाइना ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया सर्कुलेट कि हैदराबाद में 5G का ट्रायल हुआ है और उसी वजह से कोरोना स्प्रेड हो गया। अरे भाई मेरे पास ही भेज दिया था सब, और लॉकडाउन में भेज के, अच्छा मेरे को तो मेरे अपने कुछ रिलेटिव बोल रहे थे कि तुम अपना राय बताओ क्या है, हमने राय क्या 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 राय भाई, हम सुने भी नहीं थे उस ऑडियो को। कुछ लोगों के ऑडियोज ऐसे होते हैं जो आपको पता है इसको सुन के कोई फायदा नहीं है, ये हरामखोर वाला ही मैसेज कुछ भेजा होगा, तो आप उसको एज इट इज रहने देते हैं। मैंने भी वैसे ही रहने दिया था, हालांकि थे अपने ही हो, लेकिन मैंने भी रहने दिया था। मेरे को आया सर उसको माना नहीं मन,
घर पे आ गया भाई, अब सुनिए क्या हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है, ये बोला है कि सर देखो 5G का ट्रायल है उसी कारण कोरोना हो रहा है। हम बोले बहुत बढ़िया, एकदम जिंदाबाद वाला काम किए हैं आप लोग। सर वो उसको क्यों करेगा, उसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। आज आप लोग की मूवी आया रॉकेट्री, नंबी नारायण के ऊपर कहानी है, मैं बताऊंगा आगे साइंस अटेक में, वहां पढ़ाऊंगा। सर नंबी नारायण ने क्या किया था, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो सब आगे साइंस अटेक में बताऊंगा। डेवलप कर लिया था कि बहुत कितना भी कोल्ड टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विफाई करके यूज कर सकते हो रॉकेट और सैटेलाइट्स में, और काफी आपका फ्यूल बच जाएगा। अब वो रसिया इधर अमेरिका के पास पहले मांगने गया था इंडिया के, सर टेक्निक बता दीजिए। अमेरिका बोला ना, और अमेरिका ने पूरा वर्ल्ड मतलब रसिया को इनफैक्ट मैसेज कर दिया था कि इंडिया का कोई नहीं बताएगा। सर रसिया के पास इंडिया गया, रसिया बोला देखो यार हम बताने का मन तो है लेकिन सर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है मेरे पे, मैं तुम्हें टेक्निक नहीं बता सकता। तो इंडिया ने बोला एक काम करो आप मुझे टेक्निक मत बताओ, बस ऐसा तो कर सकता हूँ ना कम से कम जॉब मतलब उस लेवल पे दे दो कि हम थोड़ा सा सीख सके। ठीक है वो जो जिस चीज से डेवलप होगा वो मत दो मुझे। अब सर नंबी नारायण उस चीज को करने के लिए, साइंटिस्ट के भी तो कॉलिग्स होते हैं ना, हर किसी का कॉलिग्स होता है, सुन पा रहे हो। नंबी नारायण बेचारे टेक्निक उपहार के सब अपने पास रख लिए थे, सीख रहे थे, रसिया में सीख भी लिए, अच्छा खासा आइडिया हो गया इनको। अच्छा ये बात अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका ने सर नए अपने एजेंट को केरला में भेजा, पुलिस वाले को दो किया और बंदोबस्त करके पैसा देके बोला कि ये देश के प्रति जो है क्या है आतंकवादी का काम कर रहा है। पुलिस वालों को भड़का दिया, भड़काया गया, पुलिस वालों को पैसा दिया, पुलिस वाला और नंबी नारायण को केरला से ही अरेस्ट कर लिया गया। जबकि ये सीक्रेटली अपना गवर्नमेंट और उसके अंदर में ट्रायल कर रहे थे लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था ये सीक्रेटली चल रहा था, और पकड़ के सर इतने सालों तक जेल में डाल दिया गया। अभी निकले हैं 20-25-30 साल बाद, और जब निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो दो पुलिस पहले किया था उनको गिरफ्तार, पहले तो उसको करो सस्पेंड, उसका भत्ता उसका पेंशन सारा कुछ पहले करो बंद। उस क्रायोजेनिक इंजन की वजह से सर हम 20 साल पीछे चले गए, अगर वो डेवलप हो गया रहता तो हमारे लिए कितना मुकाम का होता वो हासिल को नहीं है। तो रॉकेट्री मूवी अगर आप देखना चाहेंगे मैं साइंस से टेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगा तब देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। बाकी नंबी ये काम तो होता है सर, वही काम इधर इंडिया में जो काम करना चाहे तो उसको बस हटा दिया गया। और आज युवाओं को बस कुछ भी करो ना, आप देखो अलग अलग मुसलमान अलग परेशान है, हिंदू अलग परेशान है, हिंदू लोग लग रहा है कि मुसलमान अब डोमिनेट कर रहा है, मुसलमान को लग रहा है हिंदू, ए भाई कोई डोमिनेट नहीं कर रहा, अपना काम कर लो भाई, नौकरी कर लो। आज फिर इलेक्शन 2024 का खत्म हो जाएगा, फिर मुद्दा शांत हो जाएगा, तुमको पता नहीं है मुद्दा अभी से पनपाया जाता है, 2022 का ही चल रहा है, 23 तक आते तक प्रगाढ़ हो जाएगा, इलेक्शन में कमिटमेंट हो जाएगा, इस मुद्दे को हम सुलझाएंगे, बस हो गया जीत गया, घर हर मोदी घर हर मोदी, बात खत्म। नहीं चाहिए अब सर नीचे आओ तो प्लीज, चाइना और आम सुन पा रहे हो सभी लोग? तो सर अब हमारे लिए देखो आप लोगों ने आम आप लोगों ने ना पाकिस्तान का काम आसान कर दिया है। क्यों आप लोगों ने नहीं मतलब और सब ने क्या आसान कर दिया है, पहले बेचारा आर्म्स और बंदूक और हथियार देना पड़ता था, अब कुछ नहीं करना है, एक मैसेज और मैसेज काफ़ी है यहाँ पे आग लगाने के लिए। और आप ओपिनियन बना लेते हैं ना, व्हाट्सएप का वेरीफाई करते हैं ना कुछ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देते हैं, इसलिए तो व्हाट्सएप को भी ज़बरदस्ती फीचर लाना पड़ा कि एक बार में भैया एक कहूँगे कहेंगो को भेजो कम से कम ग्रुप ग्रुप में मत भेजो, क्योंकि सर क्या करेगा यार। अब देखिए मोतेरी से कुछ लोग मुस्लिम क्रिएट हो गए हैं, कुछ लोग कहीं और से, अजीब किस्म का माहौल वो लोग कर दिए हैं, तो उस चक्कर में नहीं पड़िएगा, चुपचाप पढ़ते रहिएगा, पहले रिजल्ट ले लो उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते रहना, उससे पहले नहीं कोई फायदा है। नहीं चाहिए गन और आर्म्स की भी उसको भड़का लेता है तो उसको तो और सस्ता पड़ रहा है। चाइना के मदद से साइबर टेस्टिंग भी इंडिया में आजमा लेता है, सो हम राफेल एंड हथियार बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हमें फोकस साइबर डेवलपमेंट पर करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमारी लड़ाई स्पेस में होने वाली है, साइबर में होने वाली है, राफेल उफेल लेके कोई फायदा नहीं है सर। आप लोग को खुशी होती है न्यूज़ में कैसे ये देखिए राफेल गया नीचे से ऊपर होते हुए गया है, अजीब किस्म का वो लोग दिखाते हैं, गजब का तैरता। अरे भाई याद रखिए किसी भी देश का अगर बहुत ज्यादा हथियार पे खर्चा हो रहा है तो किसी देश के लिए वो ठीक नहीं है सर, वो बहुत बेकार है। सेम काम तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, अपना सारा हथियार पे खर्चा करता है, इंडिया भी आपको लगता है राफेल का डील में भी अब कुछ आया कि सर उसमें भी बहुत सारा घोटाला हुआ है, अब उसमें भी घोटाला का बात आ गया है। तो सर ये याद रखिए जिस तरह से पाकिस्तान जस्टिफाई करता है कैसे आर्मी को जीने देगा, उस तरह से इंडिया ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो राफेल उफेल ज़्यादा लेना ठीक बात नहीं है। तो आप सर डेवलपमेंट पर फोकस कर लो, साइबर डेवलपमेंट भी स्पेशली फोकस करो, क्योंकि नेक्स्ट लड़ाई तो उधर ही होना है, इधर बंदूक उंदूक से कोई लड़ने होने वाला नहीं है। नीचे आ जाओ जरा, साइबर डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए एंड इंडिया को यूथ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूथ की वैल्यू डिग्रेड हो रही है और फ्यूचर में यही यूथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे इंडिया में। सो वी फोकस ऑन यूथ साइबर सिक्योरिटी, यूथ एंड साइबर।
तो हमें इंडिया में ये नहीं करना चाहिए खाली बोलते जाइए भारत युवाओं का दोष है, भारत युवाओं का देश है, ये नहीं बोलना चाहिए। आपको पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको कि इंडिया की आबादी जो है, वैसे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को नहीं बताया हूँ, मतलब इंडिया की आबादी लगभग 70% जो है उसकी आबादी हमारा एज जो है 12 से 35 साल के बीच में, मतलब इंडिया के 70% आबादी 12 से 35 साल के बीच में है। और हम पे जो एक एमपी राज करता है या एमएलए या जो भी कुछ, उसका एवरेज एज, मतलब बोला गया है उसका एवरेज एज 54 to 60, मतलब हम युवा हैं 70% और हम पे राज कर रहे हैं बहुत बड़े जीवा। तो सर यहाँ युवा मतलब ये नहीं समझिएगा आप, बोले कुछ लोग बोलेंगे युवा मतलब सर एज से बात नहीं है, एनर्जी से बात है। अरे भैया 30 साल में जो एनर्जी रहती है वो 54 साल में कितना हो, कौनो विटामिन खा लो वो एनर्जी नहीं रहता। आप अभी जितना जल्दी आईएएस बन सकते हैं, जितना एनर्जी है सर, आप 4 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ सकते हैं वो नहीं पढ़ सकते उस समय, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप कह लीजिए, वो नेचर है यार, नेचर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जा सकते आप। तो बेसिकली सर ये फिर भी बोलते रहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं का बात सही है, युवाओं का देश है, लेकिन राज कर रहे हैं कौन, जीवा नीचे आइए। तो ये सर गलती आपकी है, आपकी और हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। अगर ये लोग सही होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि 60 साल का राज करें चाहे 70 साल। इसमें आइएगा, असर नज़दीक आ गए हैं हम लोग, तो मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए, फिर आगे बढ़े। सुनो इधर, अभी तक मैंने 2-3 चीज़ बताया, एक तो ऑपरेशन ब्रेस्ट एक वहाँ बताया था, फ्लाइंग हॉर्स, मेघदूत, और मेघदूत के बाद क्या, सफ़ेद सागर। सफ़ेद सागर में लोटा बाल्टी सब हटवा दिया गया, नियम था दिसंबर से फरवरी तक आपको पीछे रहना है। और सर चाहता पाकिस्तान क्या था कि एलओसी क्रॉस बस करे और न्यूक्लियर का ताकत आपको दिखाएं। उसके बाद आगे बढ़े हम सिचुएशन, आगे बढ़ने के बाद 2-3 बात और पता चला कि सर हमने सीडी कंपोजिट डायलॉग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये सब शुरू किया, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल सक्सेसफुल नहीं रहा। बट हमें कंपोजिट डायलॉग छोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ गुड थिंग। अब चाइना और इंडिया के बीच हमेशा अगर फेसअप चलता रहेगा, फिर भी आप लॉकडाउन में देखोगे कभी कभी बात हुआ कमांडेंट लेवल की बात, कभी आपको सर मंत्री लेवल की बात, बातें तो चली रही थी ना। पर आइए कि मैं पढ़ाया था शुरुआत में आपको कि सर हर चीज का सोल्यूशन क्या है, डिप्लोमेटिक टॉक। अरे बताया नहीं था क्या, जब 1962 हुआ तब भी बात सुलझाए, भी बात सुलझाए, तो हर चीज का सोल्यूशन सर बात ही है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि बदला लेके सुलझाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। अब दो बातों का ख्याल रखिएगा, यहां से जम्मू कश्मीर का मुद्दा कंपोजिट डायलॉग याद रखिएगा, और कंपोजिट डायलॉग लगभग हर सरकार ने इसको फॉलो किया है। 2019 आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड खत्म हो गया। हरि सिंह साइंड आईओए ऑन अक्टूबर 1947 एंड उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय हरि सिंह एंड दे सेड 2 थिंग्स। इधर भाई बोला गया था ना कि पहले क्या होगा, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, तो कुछ उसमें डिस्कशन हो जाएगा कि क्या मिलेगा क्या। लेकिन उस समय तो ऐसा सिचुएशन था कि हरि सिंह को जान बचाना मुश्किल था, कश्मीर को बचाना था, तो उनको तो ऐसा सिचुएशन तो बोले कि भाई पहले तो पहले बचा उसके बाद देखेंगे क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये सब सिचुएशन हुआ, हरि सिंह ने अपने 4 आदमी को भेजा कि जा भाई राम खिलावन, चारों लोग जाओ। और चारों लोग जाके बोले 2 चीज़ कि हमारा भी कुछ शर्त रहेगा, आपका भी कुछ शर्त रहेगा। भाई उसका शर्त तो रहना चाहिए भाई, उसका हक है यार, मतलब ऐसा थोड़ी है इतना मेहनत से वो बेचारा कश्मीर का राजा बना था, नीचे आइए। हाँ मतलब मजाक नहीं है। तो पहला है आईयूए के तहत 3 सिचुएशन आया, देख लो। पहला डिफेंस दिख रहा है, अरे देख लो भैया पेज नंबर 155, बस थोड़ा देर और पढ़ाऊंगा चिंता मत करो, सबका चेहरा ऐसा हो गया, छोड़ देंगे अभी छोड़ देंगे चिंता मत करो। पेज 155 पे आओ, डिफेंस दिख रहा है, उसके नीचे आपको एक्सटर्नल अफेयर्स और नीचे दिख रहा होगा कम्युनिकेशन। ये तीनों पार्ट राइट साइड में देखिए, एक मैंने एरो बना के लिखा होगा, ये तीनों पावर इंडिया के पास है और जो चाहे उसमें बदलाव करे, उससे जम्मू कश्मीर हरि सिंह को कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन बोल लो जरा, पहला डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये तीनों बोल दिया गया कि ये आपका है सनम, आप इसको जैसे यूज करना चाहे करिए। किसको बोला गया, इंडिया को। लेकिन ये तो बोला गया है, अभी कुछ अपना भी रखेगा ये लोग, नीचे आओ। बोला क्या, बट इसके अलावा कोई भी चेंज अगर होगा तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बट इस तीनों चीज़ के अलावा अगर कुछ आप करते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर से एक बार परमिशन लेना पड़ेगा मुंह उठा के। ठीक, तो क्या क्या जरा नीचे आइए। इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ देन जम्मू कश्मीर का कंसेंट इज नेसेसरी।
अगर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाती है तो जम्मू कश्मीर से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा नीचे आओ। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पता है ना प्रीएम्बल में पढ़ा चुका हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्पररी पार्लियामेंट की परमानेंट, टेम्पररी पार्लियामेंट था, अरे बोला था ना। अच्छा नीचे आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड दिस टू पॉइंट्स एंड इसको आर्टिकल 370 में लिख दिया। तो दो पॉइंट कौन कौन से दो पॉइंट? पहला पॉइंट कि सर डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर ये इंडिया के हक में है, इंडिया जैसा चाहे इसमें बदलाव कर सकता है। और दूसरा क्या लिखा कि सर अगर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई लॉ बनाते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ेगा। ये दो पॉइंट कहाँ लिख देगा? 370 में। कोई दिक्कत? अच्छा भीमराव अम्बेडकर चालू आदमी, जरा नीचे आइएगा। आर्टिकल 370 में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड कि आप जम्मू एंड कश्मीर जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और उसमें जाकर लिखिए कि जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सके, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए कि इंडिया का रिलेशन कश्मीर के साथ क्या है। भाई तो इधर बोला ना इधर कि देखो आपकी बात मान ली गई, ये लोग क्या बोलने आए थे कि देखिए सर डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका कम्युनिकेशन ये आपका रहा, आप जानिए, बाकी इसके अलावा कुछ करते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर से परमिशन लेना। इंडिया बोला ठीक, इसको लिख दिया कहाँ बोल लो 370 आर्टिकल बना दिया उसमें लिख दिया, चलो ठीक सर हो गया डन। लेकिन अब इंडिया बोला सुन भाई अब तेरा काम तो हो गया, अब मेरा अब यहाँ से जाएगा तो पहले जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बना के पहले बता कि इंडिया के साथ तेरा संबंध क्या है, मतलब उसमें डिफाइन करिए कि इंडिया के साथ आपका रिलेशन क्या है। चलो बोला ठीक है जाते जाते हम ये काम करेंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितने हल्के में बता रहा हूँ हल्के मत लेना। दूसरा पॉइंट है कि सर देन भीमराव अम्बेडकर सेड कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में डाल देता हूं, दैट इज टेम्पररी होगा। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत जबरदस्त जिसमें आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, पार्ट शेड्यूल्स प्रीएम्बल एक ही एक पेज में, आज ग्रुप में आज भेज ही दूंगा, आज बहुत हो रहा है लेकिन आज भेज ही दूंगा, बट बिना समझाए उसको मजा नहीं आएगा तो मैं समझा के तब भेजूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी मतलब एक सेंटेंस में आप पूरा का पूरा आइडिया लगा लोगे, जैसे देख लो सेंटेंस कुछ ऐसा है, मैंने उस दिन बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो शेड्यूल्स के लिए था, पुराने पीएम का आंसू, तो शेड्यूल कितना है 12। अब एक और सेंटेंस है यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर, ठीक है, मतलब यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर, एक सेंटेंस है बस आपको बताऊंगा। जैसे यू है तो यू से पहला पार्ट वन, और यू मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, तो पार्ट वन आर्टिकल वन कौन सा हुआ टेरिटरी बताऊंगा। फिर यू कैन सी फॉर सिटीजनशिप नागरिकता पार्ट टू, इसी तरीके से करते करते जाएंगे तो पार्ट कितना आएगा 21, और उसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। आपको लोड बिल्कुल लेना है अपने पास, चिंता मत करो, मैं कल ही बता दूंगा, ठीक है, कल एकदम आपको ये मैं बता याद दिला दीजिएगा कल थोड़ा एक बार, ठीक है ना, कल मतलब निश्चित रूप से याद दिला दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, तो सर वो आपको लोड नहीं लेना है, तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला, इधर सुन भाई दो चीज है, मैं जब तक तू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता है तब तक मैं इन सारे चीज बातों को कहां रख देता हूं, पार्ट 21, जो कि क्या होगा टेम्पररी होगा, क्योंकि बोला ही गया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे फिर इसमें हम इसको क्या कर लेंगे परमानेंट कर लेंगे। अच्छा नीचे आओ, जैसे ही बोला भीमराव कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में डाल देता हूं, दैट इज टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये पार्टिकल 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस की बातें ही लिखी जाती है। अब नीचे आइए, तो बेसिकली आर्टिकल 370 अभी तक एक टेम्पररी प्रोविजन ही था। बहुत लोग को लगता है कि आर्टिकल 370 ये हो गया वो हो गया, आपको क्या समझना है नॉर्मल एक बात कि सर 370 के तहत क्या बोला गया था कि चार चीज तीन चीज बोला गया कि आप उसमें कोई चेंज कर लेंगे, इस चीज को बारीकी से समझ लेना। दूसरा क्या बोला गया कि सर अगर इसके अलावा कुछ चेंज करते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा। इंडिया ने क्या बोला ठीक है जब तक ये बात आप नहीं बता करते कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं बना लेते तब तक ये सारा बात हम पार्ट 21 में रख देते हैं, आर्टिकल 370 के तहत ये रहेगा। मतलब कि ये टेम्पररी हुआ कि परमानेंट? टेम्पररी, क्योंकि जैसे ही आप बना लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद मुबारक हो हम हैं आप मिलकर उसको परमानेंट कर लेंगे चाहे जो उसमें होगा कर लेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 370 क्या था, एक टेम्पररी था, और टेम्पररी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जरा नीचे आइए, तो ये
370 अभी तक टेम्पररी था, चाहे वो 2019 में ही क्यों ना हटा हो। तो भले ही ये 2019 में आके हटाए हो, लेकिन उस समय के हिसाब से अभी तक टेम्पररी ही था। क्यों? क्योंकि सर इसी शर्त पे डाला गया था कि संविधान आप बना लीजिएगा उसके बाद काम हो जाएगा। नीचे आइए क्या? नहीं नहीं अब आगे, अब इसके आगे आएगा। अब दूसरा, तो बेसिकली नाउ ये चार लोग रिटर्न टू जम्मू कश्मीर एंड हरि सिंह को बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना होगा जो जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अब सर वहां जाके लोग बोला कि वहां पे कश्मीर में हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक टेम्पररी पार्लियामेंट भी तो बनाना पड़ेगा जैसे इंडिया बोला है। नीचे आइए, 1951 में ये लोग गए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन का बनना एक तरीके से शुरू हो गया 1951 में। भारत अब तक हो चुका था ठीक ठाक आज़ाद। अच्छा नीचे आ जाओ, 1952, जम्मू कश्मीर एंड सेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल राइट्स फॉर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इधर सुनो, अब जब संविधान बनना शुरू हो गया था, जम्मू कश्मीर एक बात बोला, हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो मोनार्की ना हो, डेमोक्रेटिक हो, ऐसा भी ऑप्शन था नहीं उनके पास, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इनको कुछ स्पेशल फायदा दिया जाए। कौन बोले? हरि सिंह। तो हरि बाबा बोले कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का क्या दिया जाए? स्पेशल। अब स्पेशल क्या दिया जाए? तो पहला आओ फर्स्ट, पहला बात, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, और इसी दिल्ली एग्रीमेंट के तहत पहला बोला गया ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब मोनार्की टू डेमोक्रेसी, कि पहला मोनार्की था राजा का, अब किसमें बदल गया है? डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट, स्पेशल प्रिविलेज फॉर परमानेंट रेसिडेंट इन शेड्यूल 5th and 6th। तो सर स्पेशल प्रिविलेज मिला और उसको डाल दिया गया शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th में। अगर आओगे तो TEARS स्पेशल प्रोविजंस, तो स्पेशल प्रोविजंस में 5th और उसके बाद फिर 6th। अब इधर आना, नेक्स्ट नीचे, उसके बाद आओगे तो समझोगे। तो बोला गया प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35A को डाला गया जिसमें लिखा था आउटसाइडर्स कैनोट बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो बाहर के लोग जमीन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई कश्मीरी लड़की अगर किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उस लड़की को बेदखल कर दिया जाएगा वहां की जमीन से। सुन पा रहे हैं? तो लड़के लोग सावधान रहे, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नागरिकता नहीं मिलेगी और जमीन भी मिलना, जैसे आप बाहर यूएसए में जाते, यूएसए में क्या नियम है कि वहां जाओ मस्त, कोई भी है, दोनों पे लागू है, लड़के पे और लड़की पे भी, जाओ किसी को पटाओ शादी कर लो, वहां की नागरिकता मिल गई आपको। लेकिन सर यहां इसलिए बोला गया कि अगर लड़की भी किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो लड़की का कोई जमीन पे अधिकार, और लड़का सोचेगा जम्मू कश्मीर का है जाए जो हरामखोर होगा वो, तो सरकार यही सोचेगा कि सर जिसको, क्योंकि ज्यादातर अरे बहुत सारे लड़कों का मैंने माइंडसेट देखा है पर्सनली, कहते हैं क्या, अरे क्या बोलते हैं गांव में यार, सॉरी टू यूज द वर्ड, नवासा बोलते हैं ना, नवासा, नवासा का नो आसा तो ऐसे कुछ बोलते हैं कि सर ऐसी लड़की से मतलब जिसका क्या भाई शायद नहीं, हाँ तो सारा प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ जाएगा। कुछ लड़के इस चीज का भी बड़ा उत्ताक में है कि कोई ऐसी लड़की मिले जिसका भाई हुई नहीं हो और प्रॉपर्टी भी हो। मैं एक बात बता दूं आपको, इन लड़कों का कुछ नहीं होगा, और उसके बाद दोबारा इनको इतना मेहनत करना पड़ेगा ना, इनको अंदाज़ा नहीं, इनको अंदाज़ा नहीं। और दुनिया में सर अगर आप अपने से छोड़ के दूसरे पे डिपेंडेंट है, इससे बुरा क्या हो सकता है यार, इससे घटियापन क्या हो सकता है कि कोई इंतज़ार करे कि एक ऐसी लड़की मिले जिसका भाई नहीं हो। अच्छा कमाल की बात है, इसका भाई नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कत है यार, इसका भाई नहीं होता है ना, भाई नहीं मतलब भाई से दिक्कत नहीं, उसके वजह से ही बहुत सारे भाई बन गए रहते हैं, समझ में आ रही बात, जिसके घर में अगर एक ही लड़की, देखना आसपास का सब लोग बोलेगा चाचा मदद करने आएगा, वो इसलिए बोलेगा मदद करने के लिए क्योंकि उसको पता है कि शायद जिससे शादी हो रहा है कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा ताम झाम, इधर कभी बोल देता है जमीन अगर एक बार दे देना तो लाठी चली अब यहाँ से, सर वो दिमाग कभी आता ही नहीं है इधर डर से कि ना भाई हमको नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा है? नहीं चाहिए। तो पहला सर, आउटसाइडर्स कांट बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर, प्लीज मुद्दे को समझिएगा, दो बातें हुई हैं, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा जरूरी मुद्दा है, बेसिक चीज को समझिए, सब सुन पा रहे हो? एक बार प्लीज जोर से यस और नो बोल दो। yes, सर सुनना अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में दो चीजें हुई है, यहाँ पे दो चीज बोला गया कि सर आजादी मिलेगी ठीक है, वहां से लोग आए बोले कि सर तीन चीज आपके हक में है, कौन कौन, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब आप विदेश सेवा जो भी करना चाहें
सुन पा रहे हो? आप उसमें चेंज करिए। इसके अलावा कोई लॉ में करना है तो जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ेगा। इंडिया बोला ठीक, इस चीज़ को उसने उठाकर 370 पार्ट 21 में डाल दिया और बोला कि आप जाइए और जम्मू कश्मीर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और उसमें इंडिया का रिलेशन डिफाइन करिए कि क्या है आपके साथ, और दूसरा जब ये आप कर लेते हैं उसके बाद हम आके इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो टेम्पररी था आर्टिकल 370। अब जब आगे गए तो दो बातें हुआ, ये लोग बोले कि सर हमको स्पेशल प्रोविज़न दीजिए जम्मू कश्मीर लोगों के, कि एक तो बाहरी लोग जो है आकर हमारे यहाँ ज़मीन न खरीदे, और कोई लड़की अगर यहाँ से बाहरी से शादी करती है तो उसका ज़मीन का उसका पूरा हक जो है समाप्त हो जाए। सुन पा रहे हैं? ये दोनों चीज़ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हुआ। और याद रखो, मैंने आपको एक बात फिर भी बता दे रहा हूँ, कानून कभी भी बनता है तो कानून परमानेंट बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। किसको? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर तीन लोग आते हैं, अभी समझ लो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और इन जब तीनों का मिलके कोई चीज होगा तभी जगह क्या होगा? परमानेंट। लेकिन यहां सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना मतलब क्या होना? टेम्पररी लॉ। तो 370 क्या था? टेम्पररी था, और उसमें चेंज करके मान लो 3535A डाला गया। तो वो 35A के तहत ये बोला गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कि सर आप जो हैं बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे, और लड़की अगर बाहर जाती है शादी करते हैं उसको कोई जमीन का हक नहीं मिलेगा। अभी रुकना, थोड़ा और नीचे आना तब और डिटेल में मजा आएगा। तीसरा आना, एनी कश्मीरी गर्ल और वीमेन मैरी आउटसाइडर्स विल लूज हर प्रॉपर्टी राइट्स। नीचे आओ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था बिकॉज 35A एक टेम्पररी प्रोविजन था, कभी ना कभी बाहरी लोगों को तो अलाउ करोगे ही करोगे, ये बात पता था। सर हमारा राज्य यार, हमें पता है, जब ये कश्मीर गवर्नमेंट नहीं जानती है क्या कि हमारा है कि किसका है? और गवर्नमेंट को ये बात तो शुरू से पता था कि आज नहीं तो कल अलाउ तो करना ही पड़ेगा ना यार। आज भले ही दिक्कत है पर अलाउ आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अगर हम परमानेंट बना देते तो फिर इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता भाई, इसलिए हमने क्यों रखा जानबूझ के? टेम्पररी रखा, और सिचुएशन भी कुछ हमारे पास ऐसा था। अच्छा, कमाल की बात ये हुई है कि जस्ट उसके नीचे देखिएगा तो एक बात आपको मिलेगा, क्योंकि परमानेंट लॉ तो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, तो टेम्पररी तो हमने रख दिया था, बट लोग सर भाउंडर बना दिए। आप लोग में से जाते हैं ज्यादातर लोग को लगता है, इधर इधर सुन लो आज, और किसी को लगता है तो समझ लो, हिमाचल प्रदेश का नाम सुने, मैप चलना चाहिए उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। सर सुनो इधर, आप लोग में से पता है लगता है क्या आम आदमी को कि जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर? आपको नहीं पता है, एक बात आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा जाइए मुंह उठा के, और टू सम एक्सटेंट उत्तराखंड में सर काट देगा, मतलब काट क्या देगा, प्रोसेस इतना टफ है। हम लोग क्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक नहीं जा पाते हैं? क्योंकि हम लोग को उलझा के रखा गया है सर, फेवरेट मुद्दा जम्मू कश्मीर, उसके अलावा अपने को कुछ दिखता ही नहीं है भाई। हिमाचल प्रदेश में अगर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आपका हक है, आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो आपका स्टेट रिजर्वेशन होता है, बाहर के लोग भी, आप यूपी पीसीएससी का भी फॉर्म आप भर सकते हैं, तो आपने बिहार के होते हुए कहाँ का फॉर्म भरा? यूपी का। उसी तरीके से आप राजस्थान का भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोटा लिमिटेड, लेकिन भर सकते हैं। इधर हिमाचल का कभी भर के देखना, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता है। उत्तराखंड का इसलिए फेमस नहीं है, कितने लोग भरते हैं HPSSC? कोई नहीं सर, गिन चुन के कहा, बिहार, यूपी, झारखंड, कुछ राजस्थान, टू सम एक्सटेंट उड़ीसा, वहां तक तो पहुंच नहीं चाहते हैं। क्यों सर? आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, और हमको लगता है जम्मू कश्मीर में सिर्फ हो रहा है, आपको नहीं पता है, क्योंकि सर मुद्दा कुछ वैसा दिखाया जाता है जो सिर्फ आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। तो हिमाचल में भी आप ना तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और इनफैक्ट वैसा रूल और कानून नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसा है कि आप ले नहीं पाएंगे, आप लाख रिलैक्सो चप्पल रगड़ लीजिए नहीं ले पाएंगे आप, तो वहाँ का लोग के लिए है, तो हमें वो दिखता नहीं, हमें सिर्फ क्या दिखता है, हॉट टॉपिक, हॉट मसाला, क्या जम्मू और कश्मीर। लेकिन उसके अलावा भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। नीचे आइए जरा, मैंने वहाँ लिखा भी है, राइट में देख लीजिएगा, 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। कब रेडी हुआ? 56। लेकिन वो अपने संविधान में लिखे दैट वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और अपने संविधान में उन्होंने दर्शा दिया कि हम लोग इंटीग्रल पार्ट हैं, और वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रल का मतलब है कि सर हम बहुत शुरू से ही जुड़े हुए, हम कभी अलग थे ही नहीं। इंटीग्रल का मीनिंग ही बहुत लेवल का है, सुनना, और इंडिया चाइना जब पढ़ाऊंगा तो समझना, उस समय मैं इंटीग्रल के बाद पे विवाद बताऊंगा।
चाइना इंडिया बोलता है कि सर जो आपका चाइना के अलावा और जो कंट्री है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, भले आपका पार्ट कभी हो सकता है तिब्बत और उज़्बेकिस्तान का, आगे बताऊंगा मैं, लेकिन वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मतलब शुरू से या पहले से वो इंडिपेंडेंट रहा है, पहले से आपके साथ, इसी बात पे विवाद है। लेकिन इंडिया ने इधर जम्मू कश्मीर में पूरा सर बोला क्या, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमें कहीं से कोई संकोच है क्या कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, नहीं होना चाहिए। जरा नीचे आइए अब सर, राइट में देखिएगा, राइट में एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में भी बाहरी लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बट कश्मीर वो ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो सम एक्सटेंट उत्तराखंड में भी हम जमीन नहीं खरीद सकते। एचपी एंड यूके में तो बाहरी लोग अगर पीसीएस का फॉर्म भरते हैं उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सर हमें सिर्फ क्या दिखता है, जम्मू कश्मीर। हम जैसे ही आप फॉर्म डाल के देखिएगा, हिमाचल प्रदेश पीसीएस का आएगा फॉर्म, अभी अगस्त में आएगा, तो अगस्त में भी, हाँ अगस्त में, अगस्त से सितंबर के बीच में आता है, अगर आएगा फॉर्म भर के देखना, एडमिटे कार्ड नहीं आएगा भाई, समझ में आ रहा है तुमको, एक्सेप्टेंस लिखा आएगा डियर डैश डैश फलना सिंह, डियर चिलना सिंह योर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन योर डिटेल्स, कुछ और नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लगेगा कि पारदर्शिता जो है ठीक नहीं है, आधार कार्ड नंबर जो है आपके यहाँ अलग चलता है और हमारे यहाँ अलग चलता है, तो हमने स्कैन जो किया है वो, मतलब वो बोलते हैं ऐसा। आ जाओ नीचे आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 157 आगे। अरे बोलो तो सही, 12 बज गया क्या, चलो ठीक है। 157 पे है ना गुपकार मॉडल दिखेगा आपको, ये भी बड़ा फेमस है सर, समझ रहे हैं। अच्छा गुपकार में खाली जी हटा दीजिए तो हो जाएगा उपकार मॉडल, क्या हो जाएगा इनके क्यों बोला हूँ आपको याद रखने, देखो सर नाम बड़ा अच्छा लगेगा आपको, गुपकार मॉडल कुछ है वही नहीं सर, एक रोड है, मान लीजिए एक नाम पे ही पड़ा है, वैसे यहाँ के सारे करप्टेड लोग इधर ही रहते, सारा चोर सारा बेईमान सब इधर, वीआईपी कहने के लिए है सर, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन का आईएएस ऑफिसर सब का सब एक गुपकार मॉडल के आसपास जितना सारा है एरिया में सब करप्टेड लोग वहाँ के लोग, ठीक है। इसको बोलने में कोई तकलीफ नहीं है कि हर किसी को ये बात पता है, इनको भी पता है अपने को भी पता है, लेकिन जरा देखो गुपकार मॉडल गुपकार रोड है जहाँ पे वीआईपी पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं ना आप लोग, वही आप लोग जो बनने वाले हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं एंड यहाँ काफी करप्शन भी है। जरा नीचे आइए, व्हाई नीड वाज फेल्ड टू एब्रोगेट 370, क्वेश्चन ये उठता है कि जरूरत क्यों थी 370 को हटाने की, तो कुछ बात तो कुछ लोगों को तो यही लगता है कि जमीन खरीदने देता कम से कम, कुछ लोग तो यही जानते कि हम कहीं नहीं जमीन खरीदेंगे भाई, हमारा फ्लैट है बेंगलोर में, दिल्ली में है, हिमाचल में है, एगो जम्मू कश्मीर में हो जाए तो क्या दिक्कत, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आम आदमी का सवाल है, कुछ कारण वहां देखिए जो जरूरी है, हालांकि आप खुद से सोच सकते हो। पहला बात है कि यूथ में काफी रेडिकलाइजेशन, दुष्प्रभाव एंड साइबर अटैक भी काफी बढ़ गया सर, वहां की यूथ तो बर्बादी हो गया, थोड़े से पैसे के लिए पत्थरबाजी और सब, जॉब नहीं है पैसे नहीं है क्या करेंगे बर्बाद। दूसरा आइए सेकंड फेलियर ऑफ गुपकार मॉडल, ये हराम खोलो गुपकार मॉडल स्टार्ट किए, सब अपना ही बना लिए, लोग वहाँ मर गए, किसको कुछ दिया नहीं, सब बर्बाद कर दिया, पूरा लूट लिया एकदम, पेट यहाँ से यहाँ तक चलाया। थर्ड ट्रंप का इंटरवेंशन कि वी आर रेडी फॉर मीडिएशन, याद है सर, ये जो बाहरी कंट्री का बोलना कि हम रेडी हैं इंटरवेंशन के लिए, हमने कहा ये मामला को खत्म ही करना पड़ेगा, कि बाहरी का जो बार बार है, इंडिया तो बोल दे हेलो उसको तो पता है, लेकिन अगर कोई कंट्री बोले कि हम रेडी है इंटरवेंशन के लिए, चाहे प्यार से चाहे जैसे भी, काहे बोलेगा भाई हमारा मुद्दा है, और हम मौका ऐसा क्यों देंगे कि कोई ऐसा बोले, हमें दांत नहीं तोड़ देंगे हम। तो हमने सोचा कि सर ये 370 का मुद्दा ही हटाओ, पर याद करो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा लंबा चला, ना प्लेबिसाइट हुआ ना कुछ हुआ, सर कब तक चलेंगे। इधर राजनीति सर चरम सीमा पर होने लगी हर बात में, जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले देके सर, इसके गवर्नमेंट से पहले तीन ही मुद्दे चलते थे, अयोध्या हमारे राम मंदिर, उसके बाद आपका 370 और कुछ कुछ लेके कहीं कहीं पे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी हमेशा का समस्या रहा है, वो अभी का दौर का नहीं, हमेशा रहा है वो रहेगा भी। इधर इधर अब क्या किया इन्होंने, पहले बोला 370 हटाओ, अच्छा जैसे 370 हटा कांग्रेस के पास एक मुद्दा खत्म हो गया, तो दूसरा मुद्दा ढूंढ रहे क्या करे क्या करे क्या करे, अच्छा तो मंदिर वाला आया, अब कहा कि भाई मंदिर की मस्जिद चलो तैयार हो गया, मंदिर अयोध्या मंदिर शुरू, अभी भी मुद्दा खत्म, अब ले देखिए क्या बच रहा है,
अब सर बोला कि अब क्या, जब कुछ मुद्दा नहीं बचा तो क्या बोल रहा है अब कांग्रेस वाला मुद्दा ढूंढ रहा है, क्या बोले क्या बोले, लास्ट में कह रहा है पूरा सरकार चोर है, मोदी चोर है। अच्छा राहुल गांधी जितना बोलता है लोग उसी का उतना ही मजाक उड़ाते हैं। वो बेचारा सर वो ट्रेनर रखा हुआ है बोलने का, मोदी आके बोल देता है कुछ लोग बोलने के लिए सीख रहे हैं। अब सर ये बेचारा, अरे आप लोग को हर किसी को महसूस हो जाता है कि राहुल गांधी जबरदस्ती सिखा के बोल रहे हैं, वो कितना भी नेचुरल होने का कोशिश करता है बेचारा हो नहीं, लगता है कि पीछे से कोई उसको बोल रहा है, बोल रहे बोल अब वो जो है सर ये नेचुरल है, लेकिन क्या करे सर, अंगूर के हाथ में लंगूर नहीं लंगूर के हाथ में अंगूर है। तो उसको सर इतना बड़ा देश ही मिल गया सर उसको फ्री में, क्या मिला सर, जन्मजात देसी तो मिल गया, दूसरा क्या है, बाकी लक उसका है। आइए नीचे आइए, नहीं तो ऐसे लोग तो कितने सारे घूम रहे हैं। तो पहला है फेलियर ऑफ कार मॉडल, उसके बाद ट्रंप कार, बाहरी देशों का हस्तक्षेप और आपस में राजनीति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नीचे आओ, चौथा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन इन जम्मू कश्मीर बिकॉज ऑफ 35A। अच्छा अब लड़कियों का भी तो सोचो, आप शादी करेंगी उनका अपना प्रॉपर्टी राइट खत्म, अच्छा प्रॉपर्टी राइट खत्म इधर इधर तो फ्रीडम ही तो खत्म। मान लो बाई चांस पढ़ने आई दिल्ली, दिल्ली प्यार हो गया, अब शादी करना चाहती है, लेकिन एक ही बात आ गया है क्या, जमीन खत्म, लड़का भी कहेगा आए मतलब आप सोचो ना आए से डाय, अब वो क्या है फ्रीडम भी तो आपका खत्म हो गया। तो सर डिस्क्रिमिनेशन तो औरतों का भी हो रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा, इधर एक ही तरीके का नहीं है सर, ये बहुत भयानक डिस्क्रिमिनेशन है। आप सोचिए लड़की के पास कुछ ऑप्शन है नहीं, उसके पास ये भी राइट नहीं है कि वो अपना जमीन बेच के बाहर जाए, क्योंकि गलती से शादी का प्रस्ताव बाहर गई, सब खत्म हो गया। अच्छा अब घर में उसको मजबूरी बस गया कि आपको रहना इधर ही पड़ेगा, अब मम्मी पापा कैसे हैं सर, ये भी नसीब की बात, अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, हरामखोर मिल गए तो जिंदगी नर्क है, हाँ है ना, तो सर आपको उसी में रहना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन अलग लेवल का होगा। जरा नीचे आइए, पहले बेच चुकी है तो क्या हो गया, अब ये तो सिंपल बात है, बेच चुकी है तो उसका पैसा हो, जब है ही नहीं है तो कौन लेगा, नहीं नहीं रिटर्न उटर्न का सवाल नहीं है, मैंने तो क्या बोला, देखो मान लो आपका जमीन है, सुन लो थोड़ा मजे ले लो तो मुझे देखो नहीं मतलब सुनो सुनो मतलब सही बता रहा, चिंता मत करो, मान लो आपके पास जमीन नहीं है, आप जमीन नहीं है, जमीन क्यों नहीं है सुनना, जमीन क्यों नहीं है क्योंकि आपने बेच दिया है, और बेच दिया कुछ किस कारण से मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। अब आप बेच चुके हैं, जब आपके पास जमीन है ही नहीं तो अब कोई बात ही नहीं उठता है, कोई नियम नहीं उसके लिए। हाँ नियम कब है, जब आपके नाम पे जमीन है और आप शादी का प्रस्ताव करते हैं तो जमीन आपको हो जाना नहीं पड़ेगा, मतलब छोड़ के जमीन, हाँ पहले बेच लो ना मस्त ठीक है पहले बेच लो। अच्छा कोई है अगर जम्मू कश्मीर वगैरह का तो चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, चलते रहता है। तो पहला है कि नेशनल इंटीग्रेशन वायलेशन इन कश्मीर, पहली बात कि सर बार बार कश्मीर में आप मुद्दा उठेगा कि सर ये पाकिस्तान का है इंडिया का है, ये सब नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल उठता रहता है, जबकि कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, फिर भी बार बार बहस छिड़ा हुआ है। अच्छा देखते होंगे आप पहले न्यूज पे तीन चार दड़ियल मड़ियल लोग आते थे और दिन रात भर कश्मीर पे भाषण सुना रहे हैं, अच्छा इतना न्यूज देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं मतलब जितना न्यूज उसके पास नहीं है उससे ज्यादा लोग देख लिए, मतलब जितना न्यूज के पास दिखाने का नहीं है, जैसे मम्मी पापा लोग कुछ नहीं है कि न्यूज ही देख रहे हैं दिन भर कॉन्टिन्यूस चल रहा है न्यूज पे, आप परेशान हो पापा क्या देख रहे हो, न्यूज वाला थक गया बोला अंदर से भाई खत्म है भाई अब तो जा, रील पे रील चल रहा है लेकिन उसको भी दोबारा रिविजन कर रहे हैं। सर आईएएस बनना है, नीचे आइए, एग्जाम्पल आरटी नॉट एप्लीकेबल इन कश्मीर, तो नेशनल इंटीग्रेशन का वायलेशन क्यों है, क्योंकि पूरे देश में हर जगह कोई कानून लागू होगा लेकिन मान लो कश्मीर में लागू नहीं हुआ तो क्या अच्छा फीलिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आरटी राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू ही नहीं है जबकि उसको छोड़ के पूरे इंडिया में लागू है, अरे राइट टू एजुकेशन वाला सबको हक है, 6 से 14 साल के बच्चों स्कूल जाएं खाएं पिए आराम से खिचड़ी उचड़ी खाएं, सर जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं है, जरा नीचे आइए। तो कहीं ना कहीं ये देश की एकजुटता या अखंडता को प्रभावित करता है, 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा कंट्री से सपोर्ट मांगा। अब मुस्लिम उम्मा कंट्री कौन कौन है ये आइडिया आपको लग जाएगा, आगे आएंगे बाकी आप थोड़ा सा कभी कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी आप खुद से सऊदी अरेबिया का नाम याद रखेंगे ना, तो भीड़ जो है सऊदी अरेबिया ईरान यमन ओमान ये सब मस्कट और कुवैत तक जो जा रहे हैं इराक, सर वही भीड़ तो पूरा है, उधर कुछ उधर जाओ अजरबैजान से अर्मीनिया जॉर्जिया याद है कि भूल गए,
उधर आते जाओ, फिर इधर जॉर्डन तक, इजराइल, ये सब पूरा यही पूरा इकट्ठा भीड़ है। बाकी इधर एक ही बच्चा है, पाकिस्तान, ये हमको अलग है, लेकिन ये सबसे डेंजरस है, ये भी चल जाता उधर ठीक रहता। नीचे आओ, मतलब सऊदी अरब वाला तो कूट कूट कर सिखा देता उसको, आराम से मार मार के सिखा देगी, सीख तू। सर नीचे आओ, 158 बस लास्ट पढ़ा दूँ ना, पढ़ा देता हूँ, ठीक रहेगा, है ना। देखो बेचैनी हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मुझे भी हो रहा है यार। आप लोगों का बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, मुझे थोड़ा जेलस हो रहा है, पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों, मतलब सच में ये तो रोकने से रुका नहीं रहे भाई, ये तो मतलब ये तो वाला विष्णु जी का वाला चक्र छूट गया है, अब विष्णु जी भी वापस नहीं ले रहे हैं, विष्णु जी भी घुमा रहे हैं चक्र, बोले ना 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 अब हमको आर पार हो जाने दो भाई, इधर तुम्हारे पास नहीं, बहुत दिन रह लिए। नीचा क्रिटिसिज्म टू एब्रोगेशन ऑफ 370, क्रिटिसिज्म मतलब क्या है, 370 हटने के बाद क्या किया लोगों का, भाषण सुनो, बहुत गुस्सा आएगा सर आपको सुन के, पहला देख लो, लेकिन आंसर लिखना पड़ता है। आइए पहला डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट की बात करते हैं, तो कुछ नए नए लोग की बात करते हैं। देखो पहला कुछ लोग क्या बोले, सम सेड इट इज डिक्टेटरशिप, कुछ लोग बोलते हैं ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, कुछ लोग क्या बोले, तानाशाह। कुछ लोग नए नए निकलते हैं, उनको राजनीति करना होता कुछ नहीं, 2-4 लाख दो, उसके बाद बोलते जाएंगे बस सब ठीक है। तो क्या बोले, तानाशाह, आपको कहीं से लगता है ये तानाशाह है, हमारा देश है, टेम्पररी लॉ था, लोग परेशान थे यार, बेरोजगारी था, हर कोई जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस्तेमाल कर रहा था, देश का एकजुटता पे सवाल उठ रहा था, और तुम बोलो तानाशाह था, ये तो बकवास बात है भाई, ये वही बोलेगा जिसको कुछ आता नहीं है, और इंडिया में अधिकतर वही करते हैं। नीचे बट ये फालतू बात है, क्योंकि IOA के समय से ही टेम्पररी प्रोविजन था, तो फिर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से क्यों पूछना, क्योंकि वे लोग भी कभी ऐसा नहीं करने देते। अब देखो क्या किया, महबूबा मुफ्ती को क्या किया, पहले बोला जेल में डाल इसको, जेल में इसको क्या किया, गायब कर दिया, सबको नजरबंद किया, सब जितना वहां का लोकल पार्टी था ना सब, अच्छा लोकल पार्टी ने अभी एक कमाल का बात किया, केस फाइल किया। अच्छा केस कैसे फाइल किया, एक एनजीओ के नाम पे, देखो बेवकूफ लोग को यही कहा जाता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, एनजीओ के नाम पे। अच्छा गवर्नमेंट जो एनजीओ के नाम पे किया, कोर्ट बोल रही है आप एनजीओ हैं, भाई आपको इस बात से क्या तकलीफ है कि 370, नहीं नहीं हमको तकलीफ है, क्या तकलीफ है, तो इसलिए क्योंकि सर पहले जो गुप्तकार मॉडल के लोग थे ना, वो थोड़ा बहुत महीना का चॉकलेट हम तक पहुंच जाते थे, अब क्या है कि केंद्र सरकार हावी हो गई है, तो उन लोग का कुछ कमा नहीं रहा, पेट भी पीछे चला गया, अब क्या है ये लोग दे नहीं रहे हैं, तो बेसिकली उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इधर आपको लगता है कि वहां के लोकल लीडर्स को अगर हम खत्म, नजरबंद और दबाव नहीं डालते, कुछ नहीं होता हमारा, ये 370 कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्या क्या किया, देखो दिमाग लगाया सर, अगर आपको नियम पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा नियम आएगा, लेकिन अभी नियम जान लो, लॉ कभी भी पास कराना है, देखो दो चीज तरीका है, आपको मैंने मेजोरिटी पढ़ाया था, तो मेजोरिटी में जब पढ़ाया था तो दो बात का मैंने बोला था, कि एक होता है स्टेट रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजोरिटी वन में आपको राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन है, सुनना, कि अगर मान के चलो कि वहां की सरकार जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं या पार्लियामेंट सेशन में नहीं, मतलब वहां का मतलब स्टेट में मान लो सेशन में नहीं है, तो सर वहां पर पावरफुल हो जाएगा कौन, गवर्नर, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर और ये लोग मैं नहीं है, आपने लगा दिया, कौन पावर हो जाएगा, गवर्नर, और सुनना, और इधर 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 और गवर्नर जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, सेंटर के अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसा सेंटर चाहे बोलेगा बोल दिन को रात, बोले दिन को रात, तो गवर्नर वही होते एक तरीके से, आपको डिटेल में पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि गवर्नर अपॉइंटेड है, उसका इलेक्शन अक्सर कुछ हुआ नहीं है। अब गवर्नर से इधर क्या किया, महबूबा मुफ्ती का सबको नजरबंद किया, और पीएम फोन के गवर्नर के पास, हलू, गवर्नर बोला हलू, बोला कि बस एक बिल पास करूं, और बस बिल पास किया और 370 जो है एब्रोगेट कर दिया, क्योंकि सर जब वहां का सरकार नहीं रहेगा तो पूरा पावर किसके हाथ में आ गया, गवर्नर के हाथ में, गवर्नर ने पास करा लिया, काम हो गया, अब वापस लोगों को खोल दिया, अब लोगों खोलो खोलो सब आओ, अब जैसे ही लोकल पार्टी सब ओपन हो गया, अब ये सब विरोध करना शुरू किया, तब तक इधर क्या किया, नेट क्लोज 2G 3G सर। अच्छा कुछ लोग भी बोलने लगे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, भाई कहाँ थे इतने दिन तक तुम, जब लोग मर रहे थे खाने को नहीं था वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं था, अब इनको 2G 3G का ह्यूमन राइट वायलेशन नजर आ रहा है। अरे भाई बोला था देंगे 2G के स्पीड से देंगे, किसी को पता था, किसी को, सबको पता था कि इतना सेंसिटिव। अच्छा इधर देखो, बस हो गया 2 मिनट और, देख लो इधर, आप सोचो 1947 से लेकर आगे तक
सारा मुद्दा लड़ाई इसी बात का तो जम्मू कश्मीर का था। आप अगर पाकिस्तान अभी पढ़ रहे हो तो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कम डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन किसका हो रहा है, जम्मू कश्मीर। अरे हाँ ना तो सर, सारा गेम तो इसी बात पे है। इतना सेंसिटिव मुद्दा आपको लगता है इतनी आसानी से हो जाएगा? इसीलिए तो सर हर मस्जिद, जब 370 को देखना, हर मस्जिद के सामने पुलिस खड़ी थी। मैं दिल्ली में था उस समय सर, पूरा पुलिस यूँ एकदम करके, और दिल्ली में और उस लेवल पे सारा सर जरूरी था, और बिना उसके हम नहीं कर सकते थे। और इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये तानाशाही था, तो सर इनको नॉलेज नहीं है, बाकी दूसरा और कोई कारण नहीं है। जरा नीचे दूसरा पॉइंट आइए, एथिकल आर्गुमेंट, एथिक्स की बात हो रही है, मतलब कि क्या ये नैतिकता वाला बात है कि नहीं है। नीचे आइए, इंटरनेट क्लोज्ड, लॉकडाउन, ये सब जरूरी नहीं था तो पाकिस्तान सबको उकसाकर खराब कर देता। ये सब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया गया। और मैं बोलूं आपको, इस दुनिया में, इंडिया में क्या बोलता है, एक ही बात, राष्ट्र के हित में जो होगा उसके लिए जो मनो किया जाएगा। तो राष्ट्र हित में किया गया तो कहीं से कोई ह्यूमन वायलेशन वाला काम नहीं हुआ, बात खत्म। नीचे आइए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कुछ लोग बोले कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, कुछ नहीं बच्चा तो सब ले आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। सर गजब, मतलब क्या बताएं। नीचे आइए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है बट ऑल बकवास, रेडिकुलस, क्योंकि रीजनेबल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सर आप इमरजेंसी एक रीजनेबल कंडीशन पे लगा सकते हैं, आपका हक है, और जब खासकर देश की सुरक्षा के बारे में हो तो बिल्कुल हक है। और एक एक आदमी कितना भी कुछ बोल ले, जानते हो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको भी ये बात पता है कि सर अगर इतना सुरक्षा और इतना ज़्यादा अगर नहीं किया जाता तो होने वाला नहीं था, उसको भी पता है ये बात। और ज़रा नीचे आइए, तीसरा पॉइंट, सबसे पहली बात, सिंपल सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं एंड उनको वो सारा अधिकार है जो सबको है, क्योंकि वैसे भी भारत एक है, पहचान भी एक है, दैट इज इंडियन। तो एक ही बात है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हम सर एक दूसरे के हैं, हम उसको अलग। अच्छा, हम लोग इस बात को अधिकतर लोग तो मान भी चुके थे यार, मैक्सिमम आदमी भाई क्या बोला, टूर जाता ही नहीं है जम्मू कश्मीर, और मैक्सिमम आदमी तो मान ही लिए थे कि ना भाई जम्मू कश्मीर तो आज भी इंडिया का है कि नहीं पता नहीं, मतलब एक कम से कम एक इनसिक्योरिटी तो हमारे अंदर था ही ना। हम सर हिमाचल प्रदेश तक चले जाते थे, जैसे उसको ऊपर जाना है सर रुक कांपने लगता है भाई। लेकिन सर आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा, हमारा है, हमारा राष्ट्र है, हमारी कंट्री है, और हमारा भी उतना ही जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना जितना उनका है। तो सर दोनों चीज़ है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। बाकी की बातें कहने के लिए जितना है बकवास है कि ह्यूमन राइट वायलेशन और फलना वायलेशन और फंडामेंटल राइट, ये सब कहने की बातें हैं। बाकी इसके आगे जितना सारा है वो हम लोग आगे कल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद आपके इसके बाद जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे अच्छे मुद्दा है, उसमें कुलभूषण यादव, और उसके बाद गुरुद्वारा डिप्लोमेसी है, और उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा दिल है, ठीक है, बस मानता नहीं है वो, तो दिल है, थोड़ा सा दिखाया है दिल, दड़िया दिली दिखाया है धर्म के नाम पे, वो भी कारण था उसका, उसको लोन चाहिए था क्योंकि वो दिखाया है उसने, ऐसा गुरुद्वारा में बना दिया कि इंडिया के लोग बिना वीजा के जाके आराम से दर्शन करके आ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था बेचारा किया है। खैर कोई बात नहीं, देख लो बस हो गया, बस तब पैक करना मत, दो मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आना और दम लगा के ऐसा करते हैं। पहला पाकिस्तान का मुद्दा एक बार मैं कश्मीर वाला स्पेशली बता देता हूँ, जो जरूरी है, जो यहाँ से सबसे फर्स्ट आया कि सर कश्मीर को वहाँ के लोग आए, हरि सिंह ने चार लोगों को भेजा, बोला क्या कि आप जाकर वहाँ कंडीशन रखिए। कंडीशन क्या रखा गया पहले कि सर तीन चीज़ आपके अंडर में रहेगा, कौन कौन बोलो, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये तीनों आपके अंडर में है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहे करिए, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जम्मू कश्मीर से आपको पूछना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तब तक जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक इसको पार्ट 21 आर्टिकल 370 के अंदर डाला हुआ है, जब आप बनाओ के फाइनल कर लेंगे उस बाद हम इसको आराम से हटा लेंगे और एसिज कर लेंगे, तो 370 टेम्प्ररी लॉ के कानून। अब यहाँ से जब आगे हमारा मामला बढ़ा तो दो चीज़ें हुई, जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान बनाया और अपना उसमें लिखा भी कि वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब चीज़ें आगे और बढ़ी तो दो तीन चीज़ें हुई, सबसे फर्स्ट कि सर इसी लॉ के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे जम्मू कश्मीर को प्रिविलेजेस मिला, जिसमें बोला गया कि आउटसाइडर्स आकर यहाँ पे जमीन नहीं खरीदेंगे, और कोई भी लड़की यहाँ से बाहर जाकर शादी करती है तो उसका जमीन का जो पूरा हक है वो खत्म हो जाए। अच्छा कमाल के बाद देखो, बॉयज़ पे नहीं दिया गया, मेन पे नहीं दिया गया,
आप समझना, मेन पे नहीं देने का बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन पे दिया गया नहीं, फिर भी एक डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। आगे चल के सर यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बोला था आपको, गुपकार मॉडल बताया था, गुपकार वही मॉडल VIP रोड जहाँ पे सबसे VIP और करप्टेड लोग रखते हैं। और एक ख़त्म करने की क्यों जरूरत थी सर, क्योंकि पहली बात हर कोई जम्मू कश्मीर के मुद्दा को राजनीतिक बना लिया था, दूसरा हर बात में सर बाहर का देश हस्तक्षेप, वहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं, ना स्थिति ठीक हो रही थी, और प्लस पाकिस्तान तो इस्तेमाल कर ही रहा था, तो सारा समस्या हो गया था। इसके लिए हमें जरूरी था कि 370 को किसी भी तरीके से एब्रोगेट किया जाए। जब ख़त्म कर दिया गया तो कुछ लोग अपना अपना थेसिस लेकर आए, लेकिन आपको भी पता है कि ना वो थेसिस डेमोक्रेटिक स्तर पे सही था, ना एथिकल लेवल पे, क्योंकि हमने जो भी किया वो देश के हित में किया, वो हमारे पक्ष में था, और नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ तक एक मुद्दा दिमाग में रखिएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप जाएँ तो थोड़ा रिवाइज कर लें, और जब छुट्टी मिलता है तो कृपया करके छुट्टी के नाम पर ऐसे ना हो जाएँ जैसे कि जैसे ही मैंने मैसेज किया सॉरी एवरीवन क्लास ऑफ है, तो ऐसे जैसे मैसेज देखा अच्छा पढ़ रहे थे उस समय, मान लो उसमें पढ़ रहा था, कुछ लोग पढ़ भी रहा होगा, बंद कर उसको फोन किया, हाँ आ रहा हूँ मैं। अब भाई ये सडनली जो एक्साइटमेंट है ना टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक बात नहीं है। तो आप उस समय पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, और कोशिश करिए कि पढ़ने समय डेटा ऑन ना करें, क्योंकि मैसेज आने के बाद एक अच्छा एक गजब किस्म का खुशी होता है, और बच्चे भी एक अजब किस्म के होते हैं। बच्चे देखो क्या होते हैं, पहले छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, उसके बाद कुछ दिन बाद बोलेंगे सिलेबस तुम्हारा स्लो चल रहा है। दोनों है ना, एक टीचर को बैलेंस करके बहुत चलना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। बच्चे हर किस्म के बच्चे मिलते हैं ना, एक लेवल का थोड़ी मिलता है, कुछ आगे बोलेगा धीरे धीरे पढ़ाते रहते अब एक आगे बोलेगा तेज पढ़ा देते हैं, तो ये चलता रहता है। छुट्टी भी चाहिए, सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, तो ये सर मेरे पास तरीका है, चिंता मत करो, आप घर पर आराम से सोना, हम कंप्लीट कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी आप लोग आते रहिएगा। हाँ ठीक है, माना तबीयत खराब है, लेकिन हाँ एक दिन से ज़्यादा मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ, गैप करूँगा भी नहीं, एक दिन हो जाएगा, कभी दो दिन हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन अपन देखेंगे ट्राई करेंगे। वैसे आप लोग रिक्वेस्ट है आप अपनी छुट्टी ना मनाएं, वो मेरे लिए छुट्टी अगर हो तो आपके लिए नहीं है। और दूसरा अब आपको जो होमवर्क दिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक मैंने बोली थी, उस दिशा पब्लिकेशन के बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी एक टॉपिक होगा, भेज दे रहा हूँ सुन लो ध्यान से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ मैपिंग से क्वेश्चन है, तो जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा, और या फिर जो PDF है उसमें देख लीजिएगा। दिशा पब्लिकेशन का वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बनाना है, सिर्फ मैपिंग से रिलेटेड, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने पिछले बार भी बोला था बट मुझे किसी ने नहीं बताया है, तो मैं इसके बाद बोलूँगा कि मैंने पिछले क्लास में बात बोला था कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का बनाना है। अब आपने नहीं लिया है तो गलत बात है, PDF ही आपके ग्रुप में गया हुआ था और भेजा था उसने, तो आपको उसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट बनना था, हिंदी में विश्व भूगोल लिखा होगा, उसमें का मैपिंग का सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। बाकी अपन मिलेंगे कल। तो ये देखो ग्रुप में होगा।